morning. Happy Children's Day. चलिए थोड़ा रिवीजन करते हैं. व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंसी? यूनिक. ऐसे खाली बोलने से तो नहीं होगा ना. यूनिक, यूनिकनेस. सेलिंग प्रॉपर्टी तो बोलते हैं. यूनिकनेस दैट मेक्स अ प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. उसका अल्टीमेटली यूज क्या है? व्हाट इज द यूज? व्हाट वॉज द फोकस ऑफ SCM? यूनिकनेस यू हैव टू क्रिएट इन ऑर्डर टू गेन व्हाट? सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. ये की वर्ड है. ये सब दिमाग में बैठा लीजिए कि जब जब कोई भी चीज का आंसर लिखना है तो इसी तीन चीज को फोकस करके लिखना है. सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. हाउ टू क्रिएट यूनिकनेस? देर आर टू वेज ऑफ अचीविंग इट. आर यू श्योर? टू वेज ऑफ अचीविंग कोर कॉम्पिटेंसी. यूनिक स्किल या फिर टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ. क्या तो आपको ऐसा कुछ टेक्निकल आता है जो किसी और को नहीं आता, या फिर आपके पास कोई यूनिक स्किल है, वो स्किल आप अपने एक्सपीरियंस से भी गैदर करते हो, या फिर आप कहीं से सीख के आते हो. ठीक है, ओके. देन व्हाट आर द थ्री टेस्ट टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी? थ्री टेस्ट. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शुड बी डिफिकल्ट टू इमिटेट. अगर वो इमिटेट हो रहा है तो आपका कोई कॉम्पिटेंस नहीं है. दूसरा, एंड प्रोडक्ट में बहुत बेनिफिट होना चाहिए और उसका यूजिबिलिटी, एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स, उसका यूज बहुत ज्यादा होना चाहिए. आपके पास एक ऐसा कॉम्पिटेंस है जिसको किसी का जरूरत ही नहीं, ऐसा कॉम्पिटेंस का फायदा क्या? ऐसा कॉम्पिटेंस होना चाहिए जिसका जरूरत सबको. Understood? Then there are two sources to create it: resources and your capability to put them into productive use. Then there were four ways of achieving it through value chain, and it was validate what you have at present. कि आप में अभी क्या है in current business. दूसरा, लिवरेज इट आउट इन अदर बिजनेस. एग्जाम्पल सबका दिया गया था, पल्स है ना, दूसरे बिजनेस में यूज कर लीजिए. फिर तीसरा, रिकॉन्फिगर योर एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन. फूड बाजार का एग्जाम्पल दिया था मैंने. और चौथा, क्रिएट अ न्यू वैल्यू चेन. दैट इज इफ रिक्वायर्ड यू कैन क्रिएट अ न्यू वैल्यू चेन, मीन्स ऑल टूगेदर अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस. ओके, सो गाइज, नेक्स्ट वी आर कमिंग इन टू सेगमेंटेशन एनालिसिस. अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? वी आर स्टडिंग स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन. वैल्यू चेन एनालिसिस करने के लिए तीन तरह का एनालिसिस का जरूरत होता है. एक इंडस्ट्री चेन एनालिसिस, जो कैसे होता था? पोर्टर्स फाइव फोर्सेस. क्या क्या है पांच फोर्स? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. एक मिनट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस के बारे में भी सोचो तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कैसे होता है? फ्रॉम वेयर द न्यू एंट्रेंस कैन कम? फ्रॉम वेयर न्यू एंट्रेंस कैन कम? सेम इंडस्ट्री और डिफरेंट इंडस्ट्री. ओके, देन आफ्टर दैट थ्रेट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. वेन इट कम्स? सिमिलर प्रोडक्ट्स आप बनाते हो तब, और यू हैव लार्ज स्केल बायर्स, तो उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है. गवर्नमेंट बायर्स, टेंडर बायर्स. देन थर्ड,
bargaining power of supplier. Same case when you have very few supplier, okay, or when you have, when your supplier is difficult to replicate, then their bargaining power would be high. In that case, you should try to go for backward integration. Then threat of substitute. Example, substitutes ka example, huh? Threat of substitute. कैमरा और फोन भी बोल सकते, कोडेक कैमरा का सब्सटीट्यूट आ गया मोबाइल फोन, वेरी नाइस. सब्सटीट्यूट्स में जैसे कि कोको कोला नहीं मिला तो हम लोग पेप्सी ले लेंगे तुरंत, हम लोग वेट ही नहीं करेंगे. तो देयर इज अ थ्रेट, यू इधर हैव टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट. सब्सटीट्यूट से बचने का तरीका होता है कि आपके प्रोडक्ट में बहुत फीचर्स होनी चाहिए जिसके कारण लोग आपके प्रोडक्ट को ही प्रेफर करेंगे, ओके. एंड देयर इज अनदर वन, कॉम्पिटेटिव राइवलरी, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है. तो देर इज अ थ्रेट कि दे विल नॉट अलाउ यू टू अर्न प्रॉफिट, दे विल नॉट अलाउ यू टू कीप हाई प्राइसेस, दे विल ट्राई टू पुल योर सेल्स, ओके. सो फर्स्ट वॉज इंडस्ट्री वैल्यू चेन एनालिसिस, सेकेंड वॉज कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, एंड द थर्ड वन, बिफोर यू अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन यू नीड टू डू सेगमेंटेशन एनालिसिस. Segmentation analysis is basically the heading number 7. This is your heading number 7. Segmentation analysis. Now what is it about? बहुत simple example है. जैसे एक industry चलाने के लिए आपको बहुत सारा छोटा छोटा procurement करना पड़ता है. एक particular product का factory चलाने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे procurement करने पड़ते हैं. तो जितने प्रोक्योरमेंट आप करते हो उसी को सेगमेंट बोल रहे हैं. मतलब आप अपने बिजनेस को कितने हिस्से में तोड़ सकते हो. जैसे एक कार इंडस्ट्री को अगर सोचे ना, तो कार इंडस्ट्री में इंजन, फिर हेडलाइट, फिर सोफा, फिर मेटल्स, फिर टायर, फिर रबर बैंड्स, मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैज टू बी मेड सेपरेटली. Now your company needs to decide whether you want to make it by your own or you should buy it. What is more feasible for you? And that is only possible once you know the different segments of your business. That is different segment of your value chain. You can say it like this. कि एक product को बनाने के लिए आपका business कितने part में टूट सकता है, कितना portion में आप उसको break कर सकते हो, और फिर उससे हम जज करते हैं कि वो हमें करना चाहिए कि हमें करवा लेना चाहिए. द मेन डिसीजन टू बी टेकन आफ्टर सेगमेंटेशन एनालिसिस इज वेदर वी शुड इंक्लूड इट ऑन आवर ओन वैल्यू चेन और वी शुड बाय इट, ओके. एग्जांपल यहां पे कार इंडस्ट्री का ही लिख के दिया हुआ है. आप देखिए कार इंडस्ट्री का, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री का कैन बी सीन एज अ कॉम्पोजिट ऑफ टायर, ग्लास, बैटरी, मेटल्स एक्सेट्रा. Not all firms in the industry participate in all segments. The structural characteristics of different industry segments need to be examined. अब देखिए बड़ी से बड़ी कार कंपनी भी टायर कभी अपना नहीं बनाती. ये पहले भी मैं मेक और बाय चैप्टर में बताया था क्यों नहीं बनाती. रीजन बींग टायर मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट. सो उतना कैपिटल खाली अपने टायर बनाने के पीछे अगर इनकर करें तो शायद उस कैपिटल का पेबैक उतना वर्थ वाइल ना हो, ओके. इसलिए वो लोग टायर बाय ही करने में इंटरेस्टेड होते हैं. एंड यू सी, यू विल ऑलवेज सी देर आर वेरी लिमिटेड टायर इंडस्ट्री अक्रॉस द नेशन एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. देर आर नॉट टू मेनी टायर इंडस्ट्रीज, rather too many tire factories. In tire industry there is limited scope of entry, again barriers to entry usme because of huge capital investment, okay. So segmentation analysis actually will help you to identify how you are superior, how you are superior than others. Jise ek example dete hain aapko, aur Calcutta mein Metro Plaza aap jante hain na, Metro Plaza. गए होंगे लेडीज लोग का तो मस्त शॉपिंग सेंटर है वो. लड़का लोग का कुछ नहीं मिलता है, लड़की लोग का मिलता है सिर्फ.
मेट्रो प्लाजा से थोड़ा और आगे जाते हैं, होची मिन सरनी में ही एक रेस्टोरेंट आता है, ज्योति विहार, गए? हाँ, नहीं गए, फोकट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। लेकिन उस रेस्टोरेंट में हमें नॉर्मली बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए ऑपरेट करता है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, दे ऑपरेट फॉर वेरी रिस्ट्रिक्टेड टाइम, सुबह जल्दी खोलते हैं और जल्दी बंद कर देते हैं शाम को, एंड जनरली क्यू रहता ही रहता है। मतलब वन ऑफ यू कैन से द बेस्ट डोसा एक्सपीरियंस ऑफ कैलकटा दैट यू कैन हैव। उधर एक डोसा मिलता है, बटर, घी, चीज और एक कुछ बोलते हैं उधर, बटर, घी, चीज, मसाला डोसा। मतलब घी भी डालेगा, बटर भी डालेगा, चीज भी डालेगा, मसाला डोसा। अब उसका जो बटर है उसके लिए लोग वहां पे तरस के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमूल बटर नहीं है, उनका बटर वाइट बटर है। वाइट बटर समझे, जो घर में जैसे बनता है ना वैसा वाइट बटर। व्हाइट बटर अलग से मिलता है, जनरली केटरर लोग यूज यूज करते हैं उसको कई सारे डिशेस में भी, बट व्हाइट बटर इज नॉट अ नॉर्मल थिंग दैट वी जनरली बाय। हम लोग जो अमूल बटर खरीदते हैं वो ज्यादा प्रोसेस्ड होता है, उसका लाइफ ज्यादा होता है, व्हाइट बटर का लाइफ थोड़ा सा कम होता है। और ये रेस्टोरेंट एक्चुअली तमिलियन का है, उसका पूरा व्हाइट बटर तमिलनाडु से ही आता है, उसका जितना व्हाइट बटर है वो उनके ही कोई पूर्वज या समझ लीजिए फैमिली से ही बन के वहां से मंगाया जाता है। तो सेगमेंटेशन एनालिसिस उन्होंने किया और डिसीजन लिया कि बटर जो हमें हमारे रेस्टोरेंट चलाने के लिए चाहिए हम लोग खरीदेंगे नहीं, खुद से बनाएंगे। एंड वो उनका कोर कॉम्पिटेंसी हो गया कि लोग वहां लाइन क्यों लगाते हैं, कि चल यहाँ का बटर डोसा खा के आते हैं। तो बटर का डोसा जब आप खाते हैं तो एक तो होता है बटर लगा देता है, ये बटर का कुड्डा ऐसे दे देता है, खाओ से रोटी में जैसे सब्जी लगा के खाते हैं वैसे बटर लगा लगा के खाओ। तो फॉर दिस देर इज अ कॉम्पिटेंसी एंड दैट यू कैन नो प्रोबेबली इफ यू हैव डन योर सेगमेंटेशन एनालिसिस। सो सेगमेंटेशन एनालिसिस हेल्प्स यू रियलाइज वेदर यू शुड बी विद दिस सेगमेंट और यू शुड ड्रॉप दिस सेगमेंट, वेदर यू शुड गेट इट डन बाई योर सेल्फ और यू शुड गेट इट डन बाई अदर्स। ओके, सो दिस एनालिसिस विल रिवील द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, किसको रखने से फायदा होगा, किसको रखने से नुकसान होगा। जैसे एक और बताते हैं, जैसे एयरटेल जो है, मेरे पास कई बार आते हैं एयरटेल वाले और वोडाफोन वाले आपस में लड़ाई करते हुए, एयरटेल वोडाफोन सामने सामने बैठ जाएंगे ना, सेल्समैन लड़ पड़ते हैं। क्या बोलते हैं? वोडाफोन वाला बोलता है, सर हमारा सारा काम खुद का है, तो कल को आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना तो हमारे कंपनी के लोग सुनते हैं, एयरटेल का सारा काम आउटसोर्स्ड है, आपका कंप्लेन होगा तो कोई रेस्पॉन्स लेगा नहीं लेगा हमको पता नहीं है। मतलब उन्होंने क्या किया, एयरटेल ने अपना सेगमेंटेशन एनालिसिस किया और मैक्सिमम अपने जो सेगमेंट्स हैं उसका आउटसोर्स ही कर दिया। मतलब हम खाली ब्रांडिंग देखेंगे और पैसा कलेक्ट करेंगे बस। और वोडाफोन ने सेगमेंटेशन एनालिसिस में कोर कॉम्पिटेंसी कैसे लाने का कोशिश किया, उनको ये लगा कि हमको सारा काम खुद करना चाहिए, राइट? सो सेगमेंटेशन एनालिसिस के दोस्तों 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स ऑफ सेगमेंटेशन एनालिसिस, जिसमें नंबर 1 आ रहा है कि आप पहले अपने सेगमेंटेशन को आइडेंटिफाई करिए, व्हाट आर योर सेगमेंटेशन, आइडेंटिफाई डिफरेंट सेगमेंटेशन। दूसरा, आप अपना एक हो सके तो सेगमेंटेशन मैट्रिक्स बना लीजिए। मैट्रिक्स बोलना ना मतलब इट्स लाइक क्रिएटिंग डिफरेंट नेम्स ऑन इट्स वायबिलिटी एंड ऑल, इट कैन बी टू वे, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अ टू वे मैट्रिक्स कैन बी क्रिएटेड, जैसे कि किस जोन ऑफ सेल्स में आप कौन सा सेगमेंट को ऑपरेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ कार इंडस्ट्री कैन मेक अ सेगमेंटेशन एनालिसिस लाइक दिस, कि यहाँ पे हम लोगों को टायर बनाना है, हम लोग को बैटरी बनाना है। ओके, देन यू कैन
यू कैन मेक इट प्रोडक्ट वाइज ऑन द अपर साइड. ये बैटरी हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री. और यू कैन इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रोडक्ट इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन गो कंट्री वाइज, कंट्री वन, कंट्री टू, कंट्री थ्री. इफ इट इज नॉट कंट्री वाइज, यू कैन गो जोन वाइज, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वट एवर वे. बेसिकली सेगमेंटेशन मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि इट विल हेल्प यू टू हैव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ वॉट आर द सेगमेंट्स रिक्वायर्ड इन डिफरेंट स्फीयर्स. ओके, सो इट कैन हैव अ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ज्योग्राफीज. दिस इज वन एग्जाम्पल. अनदर इज क्रिएट अ मैट्रिक्स यूजिंग प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. इट डिपेंड्स ऑन यू वॉट काइंड ऑफ मैट्रिक्स यू वॉन्ट टू क्रिएट. एक प्रोडक्ट ज्योग्राफी को ले लिया, एक प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ले लिया, देन हर सेगमेंट का अट्रैक्टिवनेस को इवैल्यूएट करी. हर सेगमेंट का अट्रैक्टिवनेस को इवैल्यूएट करी कि वो सेगमेंट वाकई में कितना अट्रैक्टिव है, इन द सेंस ऑफ फाइनेंस, इन द सेंस ऑफ नॉन फाइनेंस, एवरीथिंग. जैसे नॉन फाइनेंस में क्वालिटी वाली बात आ जाती है, ऑन टाइम रिस्पॉन्स देने वाली बात आ जाती है, फाइनेंस में कॉस्टिंग फैक्टर्स आ जाते हैं. देन उसके बाद आप उसको कैसे अपने लिए यूज कर सकते हो, उसका की सक्सेस फैक्टर. कि आपको की सक्सेस फैक्टर मतलब आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसको पाने के लिए. मैंने आपको पिछले दिन भी एक नाम बताया था, की सक्सेस फैक्टर यानी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दो अलग अलग चीज होते हैं. मतलब आप जो करते हो उसको बोलते क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. फैक्टर इज सपोज टू इंडिकेट इनपुट एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज सपोज टू इंडिकेट आउटपुट. सो की सक्सेस फैक्टर मीन्स व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम दैट सेगमेंट. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड और व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दोस सेगमेंट. ओके, एंड लास्टली यू हैव टू ऑल्सो एनालाइज द ब्रॉड एंड नैरो स्कोप. जैसे नैरो स्कोप मतलब जैसे कोई सेगमेंट है वो बहुत छोटा सा ही है, उसको खोल के फायदा क्या है, उसका माउंट या वॉल्यूम बहुत लिमिटेड स्कोप में है, तो वो नैरो स्कोप में जाने का कोई लॉजिक नहीं होता. जब भी कोई सेगमेंट में घुसो तो इट हैज टू बी अ ब्रॉडर इन ब्रॉडर स्कोप, जिससे कि आपका समय का वैल्यू निकले, जिससे कि आप रियली उससे वैल्यूडेशन कर पाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, मैंने ये सब मेक और बाय चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से ही पढ़ाया है, बट फिर भी रिपीट कर रहा हूँ. अब कोको कोला जैसे कंपनी है, उसको अपना ग्लास बॉटल चाहिए, तो वो ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चरिंग उनका एक सेगमेंट है, करेक्ट. अब वो सेगमेंट वो खुद से मैनेज करे, वो खुद से मैनेज करे यानी खुद से उसको बनाए और ग्लास बॉटल यूज करे अपने प्लांट्स में, या फिर वो किसी से ग्लास बॉटल ले. तो अगर उसका स्कोप बहुत बड़ा है तो खुद से ही करना चाहिए. स्कोप मतलब स्केल, फाइनेंस अमाउंट, उसका ड्यूरेबिलिटी इज अ कंसर्न, उसका टाइमली अवेलेबल होना इज अ कंसर्न. तो आप खुद से करिए, नहीं तो आप करवा लीजिए, करेक्ट. सो दिस आर ऑल ओनली द स्टेप्स ऑफ सेगमेंटेशन एंड वट एवर आई हैव डिस्कस इज ऑल रिटन बिलो दिस. You have to remember basically the five steps, and I do believe that if you remember the steps name, you will be able to elaborate by yourself. Segmentation analysis helps you to know what to keep, what to get it done from others. Okay. So three types of analysis were there to help understand how to do value chain analysis. One was industry value chain. Another was keep repeating to yourself, वरना याद नहीं होगा. मुझे इतना याद है क्योंकि मैंने चार पांच बार पढ़ लिया ये, तब जाके इतना याद है. और आप लोग को याद तभी होगा जब आप बार बार दिमाग में दोहराओगे. थ्री टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डू वैल्यू चेन. वन इज इंडस्ट्री वैल्यू चेन, अनदर इज कोर कॉम्पिटेंस कि आप में खास बात क्या है, तीसरा इज योर सेगमेंट, सेगमेंटेशन analysis. If you do these three, you understand your value chain. Okay. See, value chain का objective यही है कि आपको sustainable competitive advantage हम दिलाएं. अब competitive advantage, advantage मतलब what is competitive advantage? Edge over the others. Edge over the other means you are performing better over the others, right? So next heading is coming like that only.
You see, superior performance and competitive advantage. Here we are going to talk about how we can be better over the others. Superior performance and competitive advantage. What is competitive advantage? How better we are than competitors. How better we are than others. दुनिया हमें कैसे सिखाती है पता है? अब ब्रिंगिंग हम लोग अपने आप का ऐसे ही समझते हैं कि नहीं नहीं दूसरों से अपने आप को क्यों कंपेयर करना है, तुम अपने आप में देखो, बट अपने आप में रहोगे तो आप तरक्की करोगे कैसे? ये सीखने का चीज है, रियली आपको बता रहे हैं. हम लोग हमेशा यही बोलते हैं, नो आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स, आई एम व्हाट आई एम, एक्सेप्ट मी और रिजेक्ट मी. आप एटीट्यूड दिखा देते हैं, बट व्हाट इज द पॉइंट? इफ यू आर नॉट बेटर देन अदर्स, व्हाई वुड पीपल बिलीव इन यू? If you are like all others, if you are yourself, no one is going to take you, no one is going to believe in you. You have to at least be best among all. If not best among all, then at least you should be better than what others are. Tab to aapka edge hai, tab to aapka pehchan hai, tab to aapka koi value hai. Ye basic cheez hai. And for that you have to meet lot of people to understand what they are. That is only competitive advantage. Competitive advantage ऐसा नहीं सोचो कि सिर्फ बड़े बड़े corporates को सोचना है या businessmen को सोचना है, हर इंसान को सोचना है. जिंदगी में हर जगह competition चल रहा है. Competitive advantage आपको अपने आप में लेना ही पड़ेगा, तभी तो आपको सब value देंगे. और आपको नहीं चाहिए तो बात अलग भाई. आपको अपने लिए value चाहिए तो you have to prove yourself that you are better than others. And you don't have to show it, it actually reflects automatically that कि आप दूसरों से अच्छे हो. बट आपको दूसरों से अपने आप को हमेशा कंपेयर कर करके देखना है कि मैं कहां कम पढ़ रहा हूं, और कम पढ़ रहे हैं तो अपने लेवल को बढ़ाना है भाई. आपको ये जताना नहीं है, आपको अपना लेवल जरूर बढ़ा के रखना है. करेक्ट? जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूं, कभी भी जैसे नए लोगों से मिलता हूं ना, तो दो तरह की चीजें सीखता हूं अपने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए. एक, उनसे मिल गए ये सीखता हूं कि जिंदगी में क्या क्या और करना है, और दूसरा ये भी सीखता हूं कि जिंदगी में क्या क्या कभी नहीं करना है. वो लिस्ट मेरा बनते रहता है कि इनसे मिलके इनके साथ समय बिता के हर इंसान से कुछ दोनों एस्पेक्ट दोनों फेसेट सीखने को मिलते हैं कि इनसे मिलके ये समझ में आया कि ये करना चाहिए और ये कभी नहीं करना चाहिए. एंड इफ यू इनकलकेट दैट विद इन योर सेल्फ, यू एक्चुअली गेट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. यू एक्चुअली शो अदर्स दैट यू आर बेटर देन अदर्स, फार बेटर देन अदर्स. ओके, एनीवेज, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, दैट्स द सोल एम ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एंड वी आर गोइंग टू अचीव इट थ्रू वैल्यू चेन एंड ऑल. सो as per Michael Porter, it is said that how you can get competitive advantage, there are two things. One is low cost and another is product differentiation. There are two methods to get this: low cost and product differentiation. Competitive advantage or superior performance ka ek combined objective hota hai. Objective ye hai ki aapko, in order to survive and prosper in an industry, आपको करना क्या होगा? दे मस्ट सप्लाई व्हाट द कस्टमर वॉन्ट्स टू बाय. ग्राहक सेवा आपको करनी पड़ेगी, परमो धर्म. जो ग्राहक चाहता है वो आप करके दीजिए. ग्राहक सेवा परमो धर्म. दे मस्ट सर्वाइव कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन हर समय है. अपने सोचते हैं कि अभी हमारा बस जिंदगी ये जो चल रहा है, ये फाइनल लेवल का एग्जाम, यहीं पे कंपटीशन है बस, उसके बाद तो सेट है. कुछ सेट नहीं है, उसके बाद असली कंपटीशन शुरू होता है. अभी तो सब खाली पढ़ रहे पास होने के लिए. ठीक, फिर आपके दोस्ती इंटरव्यूज देने आप लोग के साथ जाएंगे और उसमें कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा, मेरे को पहले मिल जाए. ये होता है. आप लोग में से चार लोग जाएंगे तो चार में से एक को एक कंपनी में जॉब मिल गया, तीन को नहीं मिला, बड़ा दुख होगा. चारों को नहीं मिलता तो अच्छा लगता, कोई बात नहीं, सब देखेंगे. बट चारों को मिल जाए तो भी खुशी है.
अब चारों को मिल जाए तो सबको इक्वल सैलरी मिला तो खुशी है, एक को ज्यादा मिल गया तो दुख हो जाएगा। तो ये कंपटीशन ही तो है, सेंस ऑफ कंपटीशन है। ओके, सो यू हैव टू सर्वाइव ऑन इट, यू कांट गेट अवे फ्रॉम इट। इफ यू फील दैट कंपटीशन इज ओनली एट लोअर लेवल, नो, इट्स मच फियर्स एट हायर लेवल। यू सी सैमसंग एंड ऑल, इतना बड़ा बड़ा कंपनी, ये लोग को एप्पल से हर समय डर है, तो दूसरी कंपनी से डर है। एप्पल को सैमसंग हिला के रख दिया था एक बार के लिए स्मार्टफोन की दुनिया में। तो कंप्यूटर्स में एचपी इतना सारा कंप्यूटर बना रहा है, वर्ल्ड लेवल पे इनका मार्केट है, बट इनको भी कंपटीशन है। अमेजन इतना बिजनेस कर रहा है, इसको फ्लिपकार्ट से कंपटीशन है, अलीबाबा से कंपटीशन है। मतलब कंपटीशन, जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता है वैसे वैसे उसका लेवल और खतरनाक हो जाता है और सेंसिटिव हो जाता है। तो कंपटीशन आगे नहीं है ऐसा मत सोचिएगा। जितना एजुकेशन बढ़ रहा है, जितना अवेयरनेस बढ़ रहा है, कंपटीशन और ज्यादा बढ़े जा रहा है। तो यू हैव टू सर्वाइव ऑन इट, यू कैन नॉट सरेंडर ऑन कंपटीशन। कंपटीशन से सरेंडर करना है ना, सबसे इजी उपाय होता है कि सारा पढ़ाई लिखाई करके रिटर्न बैक टू योर विलेज। वन वेरी इजी वे आउट, बहुत लोग करते हैं। मेरे को ये शहर का रौनक नहीं समझ में आ रहा है, इतना चांदनी, इतना चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, मेरे को शांति चाहिए। हम कम कमा लेंगे लेकिन हम खुली हवा में आराम करना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं। ठीक, तो करिए वहां पे। कंपटीशन वहां पे नहीं है, बट वहां पे अगर आपने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया तब तक नहीं है। जब गांव के सारे लोग पढ़ लिख लेंगे तब फिर कंपटीशन चालू, सबको यही सोचने लगेंगे वहां पे, तो सब फिर कंपटीशन चालू। तो द थिंग इज, कंपटीशन हर जगह है, हर मुकाम पे है। आपको उस पर टिके रहना है, आपको सर्वाइव करना है, और सर्वाइव करने का जरिया दो ही, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, लो कॉस्ट, जिसको आप कॉस्ट लीडरशिप बोलते हो। ये दो मतलब प्रोवन तरीका वर्ल्ड वाइड, आपको सोचना ही नहीं, आपको अपने आप को अलग साबित करना है, और दूसरा आपको लो कॉस्ट के ऊपर हर समय जागरूक रहना है कि कैसे हम लो कॉस्ट कर पाए अपने प्रोडक्ट का, जिससे कि आप लो प्राइस पर ऑफर कर सके। सो यहां पे क्लियर बात बताई गई है, टू वेज ऑफ अटेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नंबर वन यू कैन सी हियर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नंबर टू, लो कॉस्ट एडवांटेज, राइट। थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो रहा है, ओके। नाउ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से फायदा क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से यू कैन चार्ज प्रीमियम, यू कैन चार्ज हायर प्राइस। द बेस्ट एग्जांपल इज एप्पल, दे आर चार्जिंग प्राइस बिकॉज दे प्रूव टू देयर कंज्यूमर्स दैट देयर प्रोडक्ट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, विच अदर्स कैनॉट रेप्लीकेट। ओके, एंड अनदर इज लो कॉस्ट एडवांटेज। And low-cost advantage allows a company a possibility to reduce their prices, usually in case of similar products. When you start sensing competition, you should have a thinking that अब आप इसका low-cost कर दोगे ऐसा कि जो दूसरे कर नहीं पाएंगे, तो आपके पास competitors आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, so differentiation advantages, you see differentiation कैसे आता है, इसके लिए मैंने आपको एक्रोनिम भी दिया था, आई कॉल इट एज क्विस्प। बहुत इंटरेस्टिंग है ये आप सीख लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। क्यू फॉर क्वालिटी, आई फॉर इनोवेशन, एस फॉर सर्विस, पी फॉर प्राइस। ठीक है, क्वालिटी, इनोवेशन, सर्विस, प्राइस। नाउ व्हाट इज क्वालिटी? व्हेन वी से क्वालिटी, इट्स टीक्यूएम में आप लोग पढ़ते थे, बहुत सारे फेसेट्स होते हैं क्वालिटी के, रिलायबिलिटी, लॉन्जिविटी, याद आ रहा, अपीयरेंस, ध्यान आ रहा है, ये सब डिमेंशंस, हाउ टू अंडरस्टैंड क्वालिटी इज देयर और नॉट, परसीव्ड क्वालिटी, जैसे कस्टमर जो सोच रहा है वो उसको देना, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑल दोज आर क्वालिटी। That there is no defect,
क्वालिटी के लिए एक सिंपल टर्म हम लोग यूज करते हैं, देयर इज नो डिफेक्ट. देन व्हाट इज इनोवेशन? डूइंग द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे देन व्हाट अदर्स आर नॉट डूइंग. व्हाट इज सर्विस? सर्विस इज ऑन टाइम रिस्पॉन्सिवनेस. कस्टमर सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आप उनकी उनको सुनते हो और टाइम पे रिस्पॉन्ड करते हो. सर्विस इज ऑन टाइम रिस्पॉन्सिवनेस. आपने एक जवाब मांगा, उन्होंने दिया. एंड प्राइस इज व्हेन यू आर एबल टू गिव दिस थ्री, प्राइस ऑटोमेटिकली फॉलोज. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट प्राइस. पीपल विल बी रेडी टू पे यू द प्राइस. अंडरस्टूड? सो क्विस्प का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूएसपी. यूएसपी इज व्हाट? यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज कोर कॉम्पिटेंस. एंड दिस वी हैव एक्चुअली अंडरस्टूड फ्रॉम वन बी स्कूल गाय. क्यूएसपी, क्यूएसपी एक बनाया गया जिससे कि वी कैन डू लिटिल बिट ऑफ बार्गेनिंग इन केस आवर प्रोडक्ट इज डिफरेंट. क्यूएसपी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए अपना सीए फर्म चालू किए, ठीक. तो आप सीए फर्म चालू किए तो क्लाइंट खोजने निकलोगे, तो शुरुआत में कुछ जो भी काम बोलोगे आप कर दोगे, आप उसके लिए प्रीमियम चार्ज कर ही नहीं सकते. क्या चीज का प्रीमियम? आप में नया खास बात क्या है? व्हाट इज द डिफरेंट थिंग इन यू? तो यू कैन ऑलवेज डिफरेंशिएट योर सेल्फ बाई प्लेइंग विथ क्यू एस पी. सर देखिए, तीन चीज मैं आपके सामने रखता हूं, तीन कार्ड उनके सामने फेंकना. ये है क्यू का कार्ड, ये है एस का कार्ड, ये है प्राइस का कार्ड. तीन कार्ड है, आप पिक एनी टू, लीव वन फॉर मी. यू आर माई कस्टमर. ग्राहक भगवान का रूप है, तो आपके लिए हमने दो रखा, आप मुझे एक दे दो. अब देखो आपका प्राइस वो अग्री करेंगे. कैसे? पिकअप. जैसे आपके लिए सोचिए, मैं वही चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आपसे काम मांगने हूं. नया नया हूं, आप भी जानते हो नए नए हैं. आपने काम बताया तो प्राइस नेगोशिएट करने के पहले मैंने तीन कार्ड फेंका, क्यू एस पी. सर सिंस यू आर आवर कस्टमर, पिक एनी टू, इट विल बी एज पर योर चॉइस, द थर्ड विल बी माइन, दैट विल बी एज पर माई चॉइस. पिकअप, क्या पिक करोगे तुम? क्यू आर एस. तो दो आपका एक मेरा. प्राइस मेरे को बोलने दीजिए. आप क्वालिटी मतलब बिना डिफेक्ट वाला काम चाहते हो, करेक्ट. सर्विस मतलब आप सारा रेस्पॉन्स चाहते हो, आप जब फोन करें तब हम फोन उठा के बोले हाँ जी बोलिए. आप बोले आदमी भेज दीजिए हम भेज देंगे, आप बोले हम आ जाए तो हम आ जाएंगे, दैट इज सर्विस. तो प्राइस तो देना होगा ना. चलिए आप क्वालिटी और प्राइस उठा लीजिए आपके हिसाब से. हाँ बोले नहीं प्राइस हमारा वाला लीजिए, लीजिए एक मेरा. सर्विस मैं अपने हिसाब से दूंगा, फिर फोन मत करिएगा बार बार. आप बोलेंगे सर्विस और प्राइस मेरा, तो ठीक क्वालिटी का बात मेरे हिसाब से होगा. फिर फोन मत करिएगा बार बार, क्योंकि प्राइस भी आपका, सर्विस भी आपका, क्वालिटी मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, करेक्ट. समझ में आ रहा है? अभी हुआ ना हमारे साथ ऐसा, हमारे एसजीसी के रिटर्न में सब कुछ हो गया, लास्ट में क्या ट्रेस हुआ पता है? बैलेंस शीट ही टैली नहीं हो रहा था. रिटर्न लग गया, आरओसी में चला गया, सब कुछ हो गया, साइन हो गया. एक रुपए का डिफरेंस था, वो एक्सेल शीट में राउंड ऑफ में जीरो डिफरेंस आ रहा था. तो टैली एक्सेल शीट में डिफरेंस का एक बॉक्स बना के रखते हैं, डिफरेंस आ रहा है तो ऊपर दिखने जाते हैं. अब वो एक्सेल ने राउंड ऑफ मार दिया एक रुपए को, उधर सिक्स है इधर सेवन है, डिफरेंस एक्सेल दिखा रहा है जीरो. हो गया. तो क्या हुआ कि हम लोग क्या चीज मिस कर गए? जो बंदे कर रहे थे, मतलब जो सीए कर रहे थे, सर्विस एक नंबर, आधी रात को फोन करो हाँ सर. प्राइस मेरे हिसाब से था, क्वालिटी उनके हिसाब से निकल गया. बट ये अनएक्सपेक्टेड था, ये इंटेंशनल नहीं था, वट एवर बी द केस. मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे कभी भी किसी के साथ नया चीज शुरू कर रहे ना, बार्गेन का बहुत बढ़िया सिस्टम है. तीन कार्ड बना के रखे है, जोकर वाला जो कार्ड होता है ना, उसमें तीन दो में पीछे एक में क्यू चिपकाई, एक में एस चिपकाई, एक में पी चिपकाई. सर
क्यू एस पी पिक एनी टू. आप ग्राहक हो, आपके लिए दो, मेरे लिए जो बच गया. दो आपके हिसाब का होगा, एक मेरे हिसाब का होगा. तो उठाएगा समझदार आदमी, तो तुम फंसा दिया, हम तो क्वालिटी सर्विस उठाएगा. तो ठीक है, प्राइस मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप प्राइस के लिए चूचा मत करिए. मतलब दैट्स द इजिएस्ट वे टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ. क्वालिटी मीन्स वे गिव द थिंग्स विदाउट डिफेक्ट. विदाउट डिफेक्ट मीन्स, एंड विदाउट डिफेक्ट में जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट चैप्टर अभी आपको भी वापस पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोग यही बोलते हैं कि ऐसा काम करो, इस तरह से करो कि फर्स्ट शॉट में विदाउट डिफेक्ट हो. दैट्स क्वालिटी. एक होता है कि जैसे आप सम करने बैठे, फॉर एग्जाम्पल, वन शॉट में आंसर मिला एकदम परफेक्ट, दैट्स डिफरेंट थिंग. एंड आप फिर लूप में डाल के उसको आंसर काट पीट के, गैसे से घिस पीट के निकाल दिए, आंसर तो आ गया, बट दैट्स नॉट क्वालिटी. क्वालिटी इज मेकिंग इट राइट द वेरी फर्स्ट टाइम. इस तरह से काम करना है. ओके, एंड व्हाट इज सर्विस? सर्विस इज द रिस्पॉन्सिवनेस. कस्टमर कुछ मांगा चाहा, आप तुरंत हाँ वो अवेलेबल है, फोन नहीं उठा रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जवाब नहीं दे पा रहे ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड देन द प्राइस ऑटोमेटिकली फॉलोज. एंड इफ यू ब्रॉट इनोवेशन इन इट, यू डेफिनेटली गेन कॉम्पिटेंस. इनोवेशन समझ गए क्या? यूनिकनेस. इनोवेशन ब्रिंग्स द यूनिकनेस. एंड यूनिकनेस में आप प्रीमियम ले सकते हो, प्राइस में प्रीमियम मांग सकते हो, बिकॉज यू हैव सेवरल यूनिकनेस. जैसे एशियन पेंट्स वाले को एक बार बुलाया गया, आपको उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बताते. एशियन पेंट्स ने अपना नया वैल्यू चेन क्या क्रिएट किया, तो पेंट्स बेचते थे पहले, अब नया वैल्यू चेन क्या, वो पेंट कॉन्ट्रैक्ट में कराएंगे, आपके घर पे आके ऑफिस पे आके करेंगे. तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, अथोराइज कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको आप कॉल कर दीजिए, दे विल कम टू यू एंड यू शो देम द स्पेस वेयर दे हैव टू डू द थिंग्स. तो वो लोग क्या करते, तुरंत एक आईपैड निकालते हैं. एक उनके पास एक लेजर लाइट है, देखा है क्या? लेजर लाइट है. वो लेजर लाइट ऑन करेंगे, लेजर लाइट वॉल पे मारेंगे, वो लेजर लाइट वॉल से घूम के ऊपर जाएगा. फिर अगर उनको पूरा वॉल कवर करना है तो वो मार के रखेंगे तो पूरा घूम के वहां तक चला जाएगा, ऐसे उतर के आ जाएगा. एंड लेजर लाइट जितना दूर ट्रेवल कर रहा है वो मेजरमेंट दे दे रहा है, मेजरमेंट लेना नहीं पड़ रहा है. और मेजरमेंट लेते ही फिर उतना देर में उनका आदमी फोटो खींचना शुरू, आपका जगह का फोटो खींचना शुरू. लेजर लाइट से मेजरमेंट ले रहे, जगह का फोटो खींचना आईपैड में शुरू कर दिया. उनके पास एक ऐप है, आप कलर चूज करिए, विजुअलाइज करा देंगे तुरंत तुरंत कि इसमें ऐसा करें, इसमें ऐसा करें, इसमें ऐसा करें. आपका कोई प्रेफरेंस और कुछ है तो बताइए. मतलब विद इन सम आवर्स दे विल फाइनलाइज एवरीथिंग एंड दे विल स्टार्ट डूइंग द वर्क. सो वेन दे आर डूइंग दिस इन सच एन इनोवेटिव मैनर ना, वी डोंट हैव टेंडेंसी टू बार्गेन. क्या बार्गेन करे, इतना फूटा नहीं मार दिया, इतना दिखा दिया, ऐसे बार्गेन करता हुआ तो अच्छा नहीं लगता. करेक्ट. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, क्वालिटी से, इनोवेशन से, सर्विस से. ओके, वंस अ कंपनी हैज सक्सेसफुली डिफरेंशिएटेड इट्स ऑफरिंग, मैनेजमेंट मे एक्सप्लॉइट द एडवांटेज इन वन ऑफ टू वेज. That is, increase price until it just offsets the cost of improvement, thus maintaining the current market share, or price below the full premium level in order to build market share. Companies like Apple charge premium prices from its customer because customers perceive Apple's product to be different from others. Correct? सो वैल्यू चेन एनालिसिस बता रहा है कि आप डिफरेंशिएशन करके क्या क्या एडवांटेज ले सकते हो. सारा रिपीट वापस से हो रहा है यहाँ पे. आपका प्रोडक्ट, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर सुपीरियर, जैसे सॉरी, वैल्यू चेन एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई द पॉइंट्स एट विच डिफरेंशिएशन एडवांटेज कैन बी अचीव्ड बाई. दिस इज हाउ टू अचीव, हाउ टू क्रिएट वैल्यू डिफरेंशिएशन. ये वापस से रिपीट हो रहा है, क्रिएट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन.
ये कैसे हो सकता है, ये लोग बोल रहे हैं नया डिजाइन, नो हाउ, परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग इनोवेशन बोल रहे थे, ऑफरिंग सुपीरियर आफ्टर सेल सर्विस, जिसको हम लोग सर्विस बोल रहे थे, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट रेंज, ये हमने नहीं बोला था, इसको आप इनोवेशन में भी डाल सकते हैं, सुपीरियर पैकेजिंग इज लाइक क्वालिटी, मेंटेनिंग ब्रांड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो लाइक क्वालिटी, ओके, सो इट्स लाइक बेसिकली QIS विच गिव्स यू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ये पैराग्राफ रिपीट लगता है, आपको जो असली चीज ध्यान रखना था वो यहां पे था, ये देखिए, सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर इनोवेशन एंड सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, जिसको हम लोग सर्विस नाम से बुलाएं, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट विथ द आउटकम ऑफ दिस थ्री विल बी वॉट, यू विल बी एबल टू प्ले विद द प्राइस. देखिए, एक होता है क्रिएट करके छोड़ देना तो खत्म, आपका रेप्लिकेट होना शुरू होगा, और हम लोग क्या वर्ड पे फोकस करें, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यस, नहीं होता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ वन टाइम फेनोमेनन, ये आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, ठीक है. सस्टेनेबल करने के लिए आपको अपने अपने कंपनी में ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लगातार करते रहना है, नया नया चीज अपडेट अपडेट ऐड करते ही रहना है, ओके. Then there is low cost advantage, which is about cost leadership. What is cost leadership? Cost leadership is leading cost. Leading cost means you are focusing on cost to reduce it. What is cost leadership? You are focusing on cost to reduce the cost. अब आप ऐसे ही सोचो, common sense है, how can you reduce your cost? सोचो ना, जितना common sense answer आ जाता है ना, उसका फिर कोई पढ़ने का मुकाबला ही नहीं है. हाँ, large scale, economies of scale से, और प्रोसेस इंजीनियरिंग, मतलब आप पूरा प्रोसेस को इंजीनियर करोगे. इंजीनियरिंग में हम ऐसा एक और ऐड कर देते हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजी इन प्रोसेस. हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हो, तो आपके ऑब्वियसली लो कॉस्ट एडवांटेज आते हैं. चीपर रॉ मटेरियल्स, हैविंग एक्सेस टू लो कॉस्ट रॉ मटेरियल्स, हाँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये सबसे लो कॉस्ट आ सकता है. वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बोला, एकदम सही सही जवाब दिया. जैसे जिस कंपनी के पास ये सब होते हैं, वो लो कॉस्ट क्रिएट जरूर कर सकता है, दैट्स द रूल, कर सकता है. उसके पास चीपर मटेरियल का एक्सेस होना चाहिए, उसके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिससे वो प्रोसेसिंग कर सके, ओके, और उसके पास वैसे ऑपरेशंस जो उसका है वो वेल मैनेज होना चाहिए. जैसे ऑपरेशंस वेल मैनेज इसलिए बोलते हैं कि अगर वेल मैनेज नहीं हुआ तो वेस्टेजेस बहुत हो रहा होगा, और वेस्टेजेस होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा. लो कॉस्ट रखने के लिए वेल मैनेज्ड ऑपरेशंस होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कॉस्ट जरूर बढ़ेगा, ठीक. लो कॉस्ट का फायदा क्या, यू कैन ऑफर द सेम थिंग एट लो प्राइस. एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जैसे आप वो केंट प्यूरिफायर का एड देखते हैं, वो सेल्समैन आता है, कोई नाला का पानी को मशीन में डालता है और बोलता है ये देखिए पीने का पानी बन गया, देखें क्या, नहीं ध्यान है, केंट, केंट का आता था कि किसका आता, केंट का ही तो आता था. ये सेल्समैन आता था, कोई नाला का गंदा पानी को मशीन में डाल रहा है और निकाल के फिर पी के दिखा रहा है, ये देखिए साफ पानी बन गया, पीने लायक पानी, केंट प्यूरिफायर में इतना जोर है. तो अगर आप जब नाले का पानी को पीने लायक बना सकते तो हिमालय पे जाने की क्या जरूरत, हिमालयन वाटर आता है ना, हिमालय का पानी बोलते हैं, हिमालय की चोटी से हम पानी निकाल के ला रहे, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, तो उसका प्राइस ज्यादा होगा. सब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, वो लोग सीधा दिखाते सर हिमालयन वाटर, तो जो नहीं पढ़े लिखे हो तो बोलते, मतलब होता है ना वो रंगीला का जो आमिर खान था, फाइव स्टार रेस्टोरेंट होटल में भी जाके एसी नहीं चलाया कि यार क्या मजाक कर रहा है, तो वैसे ही कुछ हालत हो जाता है कई बार. आप रेस्टोरेंट में जाके अगर अवेयर नहीं हो तो वो लोग ऐसा बिलिंग करा देंगे आपको पता ही नहीं होगा. तो वो वाटर क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो सब नॉर्मल पानी अगर 30 रुपए का तो 200 रुपए का पानी, क्यों 200 रुपए का भाई, हिमालय पे जाके लाने का कष्ट. सीधा सा बात है कि आप नॉर्मल लो कॉस्ट एक्सेस पे आइए, लो कॉस्ट एक्सेस पे आइए, और अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी लो रखिए. ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आप देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी ये जरूरी है,
और आपका प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं है, सिमिलर है, तो सबसे ज्यादा जरूरी, वरना आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, तो लो कॉस्ट एडवांटेज क्या है? यू कैन चार्ज अ लोअर प्राइस, दिस आर द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट, एंड मैच द प्राइस विद द कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट एंड इंक्रीज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। कॉमन सेंस ही बता रहा था मैं, देखिए ज्यादा पढ़ा नहीं आपको, फिर भी कॉमन सेंस एक्यूरेसी से बता पा रहा हूं। इट कैन लोअर इट्स कॉस्ट, मेनी सोर्सेज ऑफ, जैसे हाउ टू गेट लो कॉस्ट, मेनी सोर्सेज ऑफ कॉस्ट एडवांटेज एग्जिस्ट, जैसे नंबर वन एक्सेस टू लो कॉस्ट मटीरियल, इनोवेटिव प्रोसेस टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, लो कॉस्ट एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, सुपीरियर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, दीज आर फोर वेज, 1, 2, 3 एंड 4। एंड आपने जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोला था इन सम मार्केट, दैट इज 5। ओके, यहां पे वो रिफाइनरी का एक एग्जाम्पल दे रहा है। ये एग्जाम्पल में वही कि अगर एक रिफाइनरी क्रूड ऑयल को ही प्रोसेस कर पाता है बाय यूजिंग इट्स टेक्नोलॉजी, तो उसको फाइनल ऑयल जो बना रहा है उसका कॉस्ट कम पड़ेगा, तो उसका प्राइस वो कम ऑफर कर सकता है। और वहीं कोई सेमी रिफाइंड ऑयल को प्रोसेस कर रहा है, क्रूड को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, क्रूड मतलब वो बहुत ज्यादा इम्प्योर है, वहीं आप सेमी रिफाइंड को प्रोसेस कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आपका कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा क्योंकि कोई आपके लिए करके दे रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी, कि आप जो भी लो कॉस्ट खोज के निकालोगे वो जल्दी से कॉपी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप लो कॉस्ट में कुछ करोगे कॉम्पिटिटर्स आपका प्रोडक्ट सबसे पहले बाय करेंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, समझेंगे कि आपने कॉस्ट कम कैसे किया। ओके, एंड अगर आपने और फर्दर कम नहीं किया तो दे विल गेट योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो दिस इज वन डिसएडवांटेज। सो हाउ यू कैन इंप्रूव ऑन इट, व्हाट इज द सोल्यूशन? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, वेरी नाइस, सोल्यूशन इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सोल्यूशन इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। देखिए यहां लिखा हुआ, डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज दैट कॉम्पिटिटर्स माइट फाइंड वे टू लोअर देयर कॉस्ट एज वेल, हेंस अ कंपनी विच परस्यूज कॉस्ट लीडरशिप मस्ट कंटिन्यूअसली इंप्रूव इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब एक बार जो करके छोड़ दिया फिर सोचेंगे कि आप चलते जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कंटिन्यूअसली उसको इंप्रूव करना और बेहतर कैसे हो वो पता लगाना है। ओके, और एक और होता है, जैसे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में एक डर होता है कि समटाइम्स मैनेजर्स माइट ट्राई टू लोअर कॉस्ट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कहीं लो कॉस्ट करते वक्त कहीं क्वालिटी तो कम नहीं हो गया? नाउ वापस से इसमें बोल रहा है कि लो कॉस्ट एडवांटेज आप कैसे कर सकते हो, हाउ टू अचीव लो कॉस्ट एडवांटेज थ्रू वैल्यू चेन, हाउ टू अचीव लो कॉस्ट थ्रू वैल्यू चेन। ये रिपीट है वापस, ये देखिए जैसे इसमें रिपीट था ना वैसे यहां पर भी रिपीट होगा कि आप कैसे कर सकते हो, रिड्यूस कॉस्ट बाय कॉपिंग रैदर देन क्रिएटिंग डिजाइन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बट डिजाइन, जैसे आपका कॉस्ट समझ के कॉम्पिटिटर अपना कॉस्ट कम करेंगे ना, तो आप क्यों नहीं किसी और का कॉस्ट समझ के अपना कॉस्ट कम करते हो? तो यही बोल रहा है, रिड्यूस कॉस्ट बाय कॉपिंग रैदर देन क्रिएटिंग डिजाइन, यूजिंग चीपर मटीरियल एंड अदर चीपर सोर्सेज, रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट, इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, अटेनिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यूज हाई वॉल्यूम परचेजिंग टू गेट डिस्काउंट फॉर बल्क परचेज, लोकेटिंग इन एरियाज वेयर कॉस्ट एडवांटेज एग्जिस्ट और गवर्नमेंट सपोर्ट इज पॉसिबल, गेनिंग लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर बेनिफिट्स। मतलब ये और भी आपके एड ऑन है, हाउ टू गेन कॉस्ट लीडरशिप उसके लिए और भी एड ऑन है। सो ऑल टूगेदर ये दोनों को पढ़ते हो, 1, 2, 3, 4, 5 और ये सारा को पढ़ते हो, तो अगेन आपके पास एक अच्छा चंक होता है कि कुछ तो आप आंसर लिख सकते हो। मतलब आई डोंट फियर कि आप लो कॉस्ट कैसे करना है वो नहीं लिख पाओगे, आपको खाली ये नाम का डर है, मुझे ये डर है कि आप ये भूल जाओगे कि हाउ टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, उसमें दो नाम बोलना है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप,
फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कैसे करना है आप वो बोल पाओगे, लो कॉस्ट कैसे करना है वो बोल पाओगे, समझ गए? हेडिंग को भी ध्यान देना है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज योर वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. असेसिंग मीन्स इवैल्यूएटिंग कि वेदर यू हैव गॉट इट और नॉट, आपको मिला है कि नहीं मिला है. वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. द वैल्यू चेन मॉडल कैन बी यूज बाय बिजनेस टू असेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कंपनीज मस्ट नॉट ओनली फोकस ऑन द एंड प्रोडक्ट सर्विस बट ऑल्सो ऑन द प्रोसेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. द वैल्यू चेन अप्रोच कैन बी यूज टू बेटर अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द फॉलोइंग एरियाज. द फर्स्ट इज इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस. ओके, दिस इज 9A. Then 9B is internal differentiation analysis. Then 9C is vertical linkage analysis. Somehow you see the names are repetitive, but again the important thing is you have to remember through heading that what three things you have to write inside it. There can be a case study question where question will ask you how we can use, how this particular company can use value chain approach to assess its competitive advantage. If you don't write these three names inside your answer, उसका वेटेज खत्म हो गया. सो इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस इज यू नो एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. वैल्यू चेन में कॉस्ट एनालिसिस इज एबीसी. अगर शॉर्ट में बोलूं तो एबीसी है वो. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको करना होगा जिसमें स्टेप्स बोल रहा है. पहला देखिए स्टेप में नंबर 1 आइडेंटिफाई द फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस. पहले फॉर्म्स अपना एनालिसिस करती थी, इन ट्रेडिशनल मेथड. हम लोग अपने कॉस्ट सेंटर देखेंगे, रेवेन्यू सेंटर देखेंगे, प्रॉफिट सेंटर देखेंगे, बस डिपार्टमेंट सेंट्रिक थे. अब वैल्यू चेन बोलता है वैल्यू चेन requires activity centric होइए. करेक्ट, पहले हम लोग डिपार्टमेंट वाइज ज्यादा सोचते थे, अब आप एक्टिविटी वाइज सोचिए. तो ये जो बोल रहे हैं ना आइडेंटिफाई द फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस, इसका मतलब है आप अपना एक्टिविटीज को खोजिए. Value creating processes means you search your activities that are there in your company through which you are processing the goods. Second is uska fir cost janna hoga. Cost pool bolte the na, yaad hai cost pool. So second step is determine the portion of the total cost of the product or service attributable to each value creating process means to each activity. ठीक, बेसिकली हम लोग क्या जान रहे हैं यहां पे, कॉस्ट पूल ऑफ ईच एक्टिविटी. दिस इज योर स्टेप 2. थर्ड, उसके बाद एबीसी में याद हो कॉस्ट ड्राइवर्स है ना. देन हम लोग एबीसी में रेट वेट निकालने चले जाते थे, अब यहां पे कॉस्टिंग नहीं कर रहे, इसलिए फोर्थ आ गया. अब आपका स्टेप में आपको हर एक्टिविटी का एक दूसरे से लिंक अच्छे से पता होना चाहिए. आइडेंटिफाई द लिंक बिटवीन प्रोसेसेस, दैट इज लिंकेज ऑफ एक्टिविटीज. एंड देन इवैल्यूएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज. मींस क्या हो सकता है यहां पर. रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज मीन्स एक तो आप ऑब्वियसली ये बोल सकते हो कि जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है उसको हटाना है. दैट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल पॉइंट. ऑल्दो दिस इज नॉट डिस्कस्ड हियर. व्हाट दे आर डिस्कसिंग हियर इज कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्ट्रेट अवे कटिंग कॉस्ट अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स जो पहले करते थे कॉस्ट रिडक्शन मैकेनिज्म, सबका कॉस्ट 15% से कम कर देना है. इंस्टेड ऑफ डूइंग दोज ट्रेडिशनल थिंग्स, you should search for an opportunity that can have long term impact. जैसे कि अब material cost कम करना है,
तो आप मटेरियल वालों को नोटिस भेज दीजिए, नाउ योर डिपार्टमेंट हैज टू रिड्यूस कॉस्ट बाय 15% बाय हुक और बाय क्रोक, वी डोंट नो, बाय दिस डेट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस. ऐसे नहीं होता, ये ट्रेडिशनल सिस्टम है. वो प्रेशर में आ जाएगा, वो क्या करेगा फिर, उसका कॉस्ट को कम करने के लिए वो क्या करेगा, चीपर मटेरियल प्रोक्योर करने जाएगा, जिससे खरीदता था उनको छोड़ के अलग अलग सप्लायर के पास पहुंचेगा. अब वो क्या क्वालिटी का देंगे नहीं देंगे, और कितना डैमेजेस होगा, कितना वेस्ट निकलेगा, उसका कॉस्ट तो कम हो गया बट दूसरे का कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या चाहता है कि आप कोई भी डिसीजन लीजिए तो उसका होलिस्टिक इम्पैक्ट सोच के चलिए. तो ऐसे नहीं करके इनसेड आप सप्लायर से वापस रीनेगोशिएट करें कि हम लोग आप ही से आने वाला 5 साल तक लेंगे. वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लालच में शायद आपको अच्छी क्वालिटी चीज सस्ते में देना शुरू कर दे. सही बता रहे हैं, ऐसा हम लोग करते हैं. जैसे हम लोग अपने पेनड्राइव क्लासेस के लिए पेनड्राइव एक ही सप्लायर से लेते, बीच में एक सप्लायर चेंज किया तो बहुत दुख हुआ. दुख मतलब वही सस्ता के चक्कर में घुस पड़े, और घुस पड़े तो वो ऐसा घुसाया वो हमें, कम से कम हम हमारे आउट ऑफ 100 आई विल से 25% पेनड्राइव रिजेक्ट हो गए. रिजेक्ट इसलिए हो गए कि उसका जो टेक्नोलॉजी से बना हुआ था वो उतना सिक्योर, मतलब क्या बोलते हैं, लॉन्जिबिलिटी नहीं था उसका, लॉन्जिबिलिटी नहीं था. तो कॉस्ट जो 25% बचाया नहीं हमने, वो वेस्टेजेस में निकल गया, वो रिटर्न होता नहीं. तो फिर हमने लॉन्ग टर्म एसोसिएशन एक सप्लायर से किया कि अब से जो आएगा आप ही से आएगा, एंड ही अग्रीड एंड वी टेस्टेड हिम. हमने दूसरे आदमियों से पेनड्राइव मंगवाने का कोशिश किया पहले कि जा रेट पूछ क्या. तो मार्केट में रेट अगर 750 बोलते हैं ना, तो हमें 650-750 बोलते हैं, मतलब 650 या 750, हाँ 675 ऐसा कुछ बोलते हैं. तो दे चार्ज अस लेस बिकॉज वी आर देयर लॉन्ग टर्म बायर्स. लॉन्ग टर्म एसोसिएशन जब आप रखते हो तो चीज अपने आप सस्ती हो जाती है. दैट इज स्ट्रेटेजिक, that is relative cost advantage. Opportunities means we want to focus on long term opportunities, not short term reduction of cost. Long term opportunities of cost reduction. और उसका example जैसे यहाँ पे इन्होंने खुद ही दिया हुआ है examples. Supplier might be willing to drop their prices if the company negotiate long term contracts, right? मजा क्या आता है पता है दोस्तों, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, सबसे ज्यादा मजा होता बात है. और मैं तो हमेशा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ही अपना गाइड और मेंटर माना हूं. जब जब मतलब परेशान होता हूं ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना शुरू करता हूं, और याद से नहीं 5 साल से चल रहा है. तो बहुत सारी चीजें मतलब जो मैं यहां बोल रहा हूं खड़े होकर, मेरे को तो लगता है मैं करता ही हूं, बहुत ऑब्वियस लगती है मेरे को बहुत सारी चीजें. बस ये कि मतलब बोलते हैं ना कि कोई गाइड नहीं है, मेंटर नहीं है, इसलिए तो पढ़ाई बना दिया. दुनिया वाले आप भटको मत, आप ये पढ़ के जाओ, फिर आपको कभी कोई गाइड कोई मेंटर की जरूरत ही नहीं. इतने बड़े बड़े स्कॉलर दुनिया में बैठे हुए थे जिन्होंने पूरा नोट्स लिख के चल बता दिया, अब इसको फॉलो करो समझो आपका काम बन जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज वन इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस. देन इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस. इंटरनल डिफरेंशिएशन मींस आप जो चीज पहले जैसे करते थे वैसे नहीं करके थोड़े डिफरेंट तरीका से करोगे, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े. इसमें मैं ये बोलूंगा 9B है ये, यू विल थिंक कस्टमर ओरिएंटेड. थिंक कस्टमर ओरिएंटेड, पहले जैसे होता था वैसे नहीं होगा. चेंज द वे इट यूज टू बी. Change the way it used to be. Spice Club नाम का एक रेस्टोरेंट है, गए क्या? नहीं गए. जो नहीं गए बेचारे उनका चेहरा देख रहा था. बहुत महंगा है सही बताए तो, मतलब थोड़ा आपको 2-3 महीना का ना पूंजी इकट्ठा करके जाना पड़ता है. अब एक एक डिश का जो रेट्स है वो बहुत ही ओवर प्राइस लगता है मेरे को. बट क्या है उसका ये इंटरनल डिफरेंशिएशन. एक डिश आता है चीज फंडू,
काय चीज फंड्यू, उसमें क्या है कि ब्रेड के टुकड़े करके देंगे वो, और बॉइलिंग चीज मतलब लिक्विड चीज को बॉइल होता हुआ हल्का सा वो ऐसा यूटेंसिल में लाके देते कि गरम गरम आपको बॉइल होता हुआ दिखे। फिर वो आप ब्रेड का टुकड़ा को फोर्क से लेके उसमें डुबाओ, चीज में डुबाओ और खाओ। इटालियन डिश, उसको उन्होंने बना दिया पाव भाजी फंडू। मतलब पाव का टुकड़ा आएगा और भाजी का फंडू है। इंटरनल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन ऐसा ऐसा देगा ना उसका जो आदमी वो साइंटिस्ट लगता है। मतलब वेटर जो है वो एक साइंटिस्ट है, समझ लीजिए। पुचका लेके आता है कैसे मालूम? पुचका खाएंगे ना, इंजेक्शन आएगा एक, उसमें पानी है, पुचका का पानी है। तो वो आलू डाल के लेके आएगा, पुचका का पानी इंजेक्ट करो उसमें इंजेक्शन से, फिर पुचका खाओ। अब जनरली क्या है, देखिए आजकल नया ये फाइव स्टार का कल्चर से धीरे धीरे रेस्टोरेंट सीखने लगे, आजकल फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स बनने लगे जिसका प्राइस मोर ऑर लेस इक्वल टू फाइव स्टार होटल्स होने लग गया। तो एक कॉन्सेप्ट फाइव स्टार्स ने बहुत पहले ही लॉन्च किया था ओपन किचन का, कि सामने में बन रहा आप देखते जाइए हम लोग कितना साफ सफाई से बनाते, कितना हाइजीन मेंटेन करके बना रहे। तो वो ज्यादा अट्रैक्ट भी करता है लोगों को जब वो वहां पे बैठ के खा रहे हैं। इट इज इंटरनल डिफरेंशिएशन, मैं आपको वो समझा रहा हूं। उसी को रेस्टोरेंट्स में कॉपी किया, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में वो देखिए ग्लास किचन रहता है या फिर ओपन किचन ही है, आपके सामने में बन रहा है, राइट। और आप देखते जाइए वो बना रहे, और आपका चीज बन रहा है कहां वो आपको पता नहीं है, बट बना रहे हैं आप लेके आ जाइए। जैसे डोमिनोज का आप देखिए सेम ओपन किचन है, आप झांक के देख सकते हैं क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, राइट। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। बट स्पाइस क्लब डिड अ डिफरेंट थिंग, दे विल कम एंड कुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड सर्व इट। तो जब ओपन किचन था तब तक ठीक, हम दूर से देख रहे थे, और एक आप हम जो ऑर्डर करेंगे मेरे सामने लाके एक गैस लेके आ रहे हैं, उसमें कुकिंग कर रहे हैं, मिला के आपको सर्व कर रहे हैं। आइसक्रीम वहां पे ऐसे ही बना के देते हैं, आइसक्रीम आप वहां पे ऑर्डर कर दीजिए, आपके सामने लाके ड्राई आइस से वो बनाएगा फिर सर्व करेगा। ये क्या है, ये आप बोल सकते हैं ये पैतरा है, बट ये पैतरा नहीं है, इसको यहां पे बोलते हैं डिफरेंशिएशन है। इसलिए प्रीमियम मांगता है, इसलिए तो मैडम बोलता है ना वर्थ है सर, वर्थ है। क्यों? क्योंकि इतना फड़का देख लिया, तामझाम देख लिया, खाने का चीज वही है। जैसे क्या लेके आया पता है, कटलेट के ऊपर दही डाल के लेके आया। अब उसका हमको ज्ञान दे रहा है सर, इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो मुंह में जाते ही आपके मुंह के मॉलिक्यूल से मिल के बर्स्ट हो जाते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप चबा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, और खाया तो मेरे से निकला नहीं जा रहा है मैं, और ऊपर से आके बोला सर कैसा लगा, फ्री है तो बोलो। मैं बोला एकदम बेकार लगा, रिजवाने फ्री कर दे वापस ले जाए। मैं बोला एकदम बेकार है तो नॉर्मल है, आप लोग जबरदस्ती का इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, कुछ अच्छा खिलाइए। तो अब ये पूछो कुछ अच्छा खिलाए तो मेनू पढ़िए, तो मेनू समझ नहीं आया इनका क्या लिखा है। तो फिर मैं पूछा तो मैं डिसाइड कैसे करूं मैं क्या खाऊं? बोला सर यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी, वो अपने हिसाब से कुछ लाएगा। जब ये एनीवेज डिफरेंशिएशन समझा रहा था, देखिए डिफरेंशिएशन को समझना जरूरी है। आप जब विजुअलाइज कर लेते हो तो यू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन बेटर। कंपनीज कैन आल्सो यूज वैल्यू चेन एनालिसिस टू क्रिएट एंड ऑफर सुपीरियर डिफरेंशिएशन टू द कस्टमर्स। द फोकस इज ऑन इंप्रूविंग द वैल्यू परसीव्ड बाय द कस्टमर्स ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग। परसीव्ड वैल्यू क्या होता है, जैसे आप अगर हम एक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं, एक ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो हम एक अपने मन में प्रोडक्ट का एक वैल्यू समझते हैं, उसका यूटिलिटी समझते हैं, तो उससे ज्यादा दे पाना, दैट इज यू कैन से इम्प्रूविंग द परसीव्ड वैल्यू। द फर्म्स मस्ट आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस एंड कैरी आउट अ डिफरेंशिएशन एनालिसिस। आइडेंटिफाई द कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। The company must identify various activities in the value chain which are undertaken to deliver products or service to its customers. Differentiation comes from the way
various activities are performed and the way in which value chain is structured. Evaluate differentiation strategies for enhancing customer value. Company seeks to evaluate various strategies which could enhance customer value. The strategies which a company can implement to enhance the customer value are, देखिए मेन चीज यहीं पे, सुपीरियर फीचर्स, इफेक्टिव मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एक्सलेंट कस्टमर सर्विस, हैविंग अ सुपीरियर ब्रांड इमेज, ऑफरिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस. ओवरऑल रिपीटेशन क्या है, जो आप क्विस्प पढ़ के आए ना, उसी का रिपीटेशन है. तो सर इसमें वैल्यू चेन क्या करने आ रहा है? वैल्यू चेन खाली वर्ड यूज कर रहे हैं कि आप वैल्यू चेन अगर अपना खुद का पढ़ोगे तो आपको ये सब जानकारियां मिलेंगी और आप ऐसे सोच पाओगे, यही बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, मतलब अभी जो चल रहा है वो क्या हेडिंग चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को कैसे पा सकते हो. एसेसिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग, वर्ड एसेसिंग मतलब इधर है अंडरस्टैंडिंग. ओके, एसेसिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्रू वैल्यू चेन. तो पहले हम लोग ने बोला कि आप अपना इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस मतलब एबीसी से जानो कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है, उसके कॉस्ट क्या है, उसमें लिंक क्या है, और फिर आप लार्जर अपॉर्चुनिटी कैसे कैप्चर कर सकते हो. दूसरा, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस में आप खुद सोचिए कि अपने उन्हीं प्रोसेसेस के मदद से आप कैसे कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं. एंड लास्टली वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, यू ऑलरेडी नो क्या था ये, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन. दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव डन सेगमेंटेशन एनालिसिस. सेगमेंटेशन एनालिसिस अगर आपने किया है ढंग से तो यू गेट टू नो अबाउट वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस. इट टॉक्स अबाउट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन. वर्टिकल लिंकेज में हम लोग एंड टू एंड बात करते हैं, मतलब सप्लायर से लेके या एकदम सोर्स सप्लायर से लेके आप एंड कंज्यूमर तक का चैनल खोजते हो या लिंकेज खोजते हो, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल लिंकेज. ये लाइन भी यहां मिलेगा. द एनालिसिस एनकंपासेस एक्टिविटीज बिगनिंग एट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड एंडिंग द फाइनल डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स. A company must have understanding of not only its internal value chain but also of the industry value chain. यहां पे देखिए वही कार इंडस्ट्री वाला एग्जाम्पल वापस रिपीट हो रहा है. रिपीट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंटेशन एनालिसिस. वही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कार यूजिंग वेरियस कंपोनेंट लाइक चेसिस, स्टीयरिंग व्हील, टायर, एक्सेल्स. द कंपनी डज नॉट मैन्युफैक्चर ऑल द कंपोनेंट्स इन हाउस एंड आर परचेज्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी सप्लायर्स. है ना, इन अदर केस कंपनी कुड आइडेंटिफाई दैट देयर इज वर्चुअली नो कॉम्पिटिशन इन पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द वैल्यू चेन. इन सच अ केस इट इज लेस लाइकली दैट कंपनी माइट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस फॉर कॉम्पोनेंटेड परचेजेस. अगर एक ही बैटरी मैन्युफैक्चरर है तो कार कंपनी माइट एंड अप पेइंग हायर प्राइस. रिपीट हो रहा है. सच अ सिचुएशन कुड लीड टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अ कंपनी माइट आल्सो कैरी आउट नेगोशिएशन विद इट्स सप्लायर आफ्टर एन एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री वैल्यू चेन. जैसे अगर आप इंडस्ट्री वैल्यू चेन जानते हो ना अच्छे से, तो आप सप्लायर से जाके उससे भी बात कर सकते हो, भाई तेरा भी सारा मैं पढ़ के आया हूं कि तू किसको किसको बेच रहा है और किस दाम पे बेच रहा है, तो इतना क्यों मेरे पास आके इतना रेट बोल रहा है. दैट इज अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री वैल्यू चेन. आप अच्छे से बार्गेन कर पाते हो, नेगोशिएट कर पाते हो. ओके, जनरली देखा क्या, देखो छोटा बिजनेस छोटा क्यों है, बिकॉज वो अपने आप में है. बड़ा बिजनेस बड़ा क्यों है, क्योंकि वो एक तो जितना है सबके साथ है और दूसरा उसको इंडस्ट्री का भी सारा एनालिसिस हमेशा उसके पास रहता है, और इंडस्ट्री में उसके पीछे यानी सप्लायर का भी रहता है और उसके बाद यानी कस्टमर्स का भी सारा जरूरत उन्हें मालूम होता है, तभी वो बड़ा है. बस आप ओवरऑल अगर समझ पा रहे तो हर जगह ये निचोड़ निकल के आ रहा है. ठीक है, देन विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीएम में आ गए हम लोग. ये हमारा 10 नंबर पॉइंट है.
जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि आपका स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सारा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के बहुत सारे विंग है, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बहुत सारा विंग्स है। ठीक, तो इस SCM का विजन क्या होना चाहिए, मिशन क्या होना चाहिए, उसके लिए बोल रहे आप अपने आप से कुछ सवाल करिए, की क्वेश्चंस। पहला, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल द कंपनी ऑफर। करेक्ट, जब तक ये नहीं जानते हो आप नहीं बता सकते कि आप करना क्या चाहते हो। SCM के थ्रू आपको अपना प्रोडक्ट और सर्विस पता लगाना होगा, क्या बेचोगे। अब इसका भी जवाब खोजने का तरीका होता है कि ऐसा प्रोडक्ट चुनो जिसका लॉन्जिविटी, जिसका एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जिसका डिमांड एक वाइड स्केल पर हो। ठीक, दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर डज द कंपनी सीक टू टारगेट। इसको बोलते टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप। MBA की दुनिया में इसको TG बोलते हैं, हु आर योर TG, टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। किनको बेचोगे। ठीक, व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट फॉर इट्स ऑफरिंग। प्राइमरी मार्केट मतलब पहली बार जब आप प्रोडक्ट बेचोगे तो वो किधर बेचा जाएगा, किन समूह को, कम्युनिटी यहां पे खोजना है बेसिकली। कम्युनिटी क्या होगी, किस मार्केट में बेचोगे और किस ज्योग्राफिकल एरिया में बेचोगे, कहां बेचोगे, कहां इस ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब दीज फोर क्वेश्चंस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेयर यू वांट टू गो। द क्वेश्चंस आर सपोज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड वेयर यू वांट टू रीच। व्हाट इज योर विजन, किनको बेचना है, क्या बेचना है, कहां जाके बेचना है। जैसे प्राइमरी मार्केट कैन बी से आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो, सोर्स ऑफ मार्केट होता है ना, ऑनलाइन बेचना चाहते हो। मीडियम क्या होगा आपका, कि आप ऑनलाइन बेचना चाहेंगे, कि आप जाके कोई शोरूम के थ्रू बेचना चाहेंगे, कि आप किसी एग्जिस्टिंग शोरूम में पार्टनरशिप लेकर केओस्क डाल के बेचना चाहेंगे, दैट इज प्राइमरी मार्केट। ठीक है, मीडियम बोल सकते हैं आप किस मार्केट में, मतलब काइंड ऑफ इट इज कनेक्टेड टू मीडियम ऑफ योर मार्केट, चैनल क्या होगा, एंड फिर वो कहां होना चाहिए, ज्योग्राफी एरिया क्या है उसकी। अब ये उतना कोई खास पॉइंट नहीं है, जस्ट मैंने था तो इसके बारे में बोल दिया। एंड इसमें लास्ट आ रहा है वैल्यू शॉप मॉडल और सर्विस वैल्यू चेन। मतलब वैल्यू चेन पूरा अभी जो पढ़ रहे थे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एंगल से पढ़ रहे थे। अगर सर्विस कंपनी है या सर्विस इंडस्ट्री चल रहा है तो उनका वैल्यू चेन क्या होता है, उसका वैल्यू चेन का खासियत होता है। जैसे ये मैंने सर्विस सेक्टर की पढ़ाई करते वक्त भी आपको ऐसे ही समझाया था कि सर्विस सेक्टर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिकॉज इट हैज मोर ऑफ इनटैंजिबल्स देन टैंजिबल्स। Also, every service is unique. So, obviously, उनका वैल्यू चेन भी तो यूनिक होता चला जाएगा। तो देर इज अ चैलेंज कि वैल्यू चेन उनका जो होगा वो कैसा होगा, उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होंगी, सपोर्ट एक्टिविटीज क्या होंगी। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वॉज कि देर कैनॉट बी अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर अ सर्विस वैल्यू चेन। एवरी सर्विस वैल्यू चेन इज अ डिफरेंट वैल्यू चेन फ्रॉम प्रीवियस और अनदर सर्विस। जैसे ट्रांसपोर्ट का सर्विस वैल्यू चेन अलग है, एजुकेशन का अलग है, IT का अलग है, टेलीकॉम का अलग है, पावर का अलग है, सबका अपना अपना वैल्यू चेन, इट्स ऑल टूगेदर डिफरेंट। आपका इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप इस अपने सिलेबस में 3 सेक्टर का वैल्यू चेन पढ़ेंगे, एग्री सेक्टर का, IT सेक्टर का और पावर सेक्टर का। नाम पहले सिलेबस में बताया था, वो अलग से एक चैप्टर बनाया गया उसका वैल्यू चेन पढ़ने के लिए। बट ओवरऑल बोलते हैं इनका जो फोकस होता है वो होता है वैल्यू शॉप मॉडल। नाउ व्हाट इज वैल्यू शॉप मॉडल, इट इज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल फॉर कस्टमर्स। मतलब दैट इज ओनली देयर वैल्यू चेन। मतलब
प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल मतलब जैसे आप वोडाफोन स्टोर में किस लिए जाते हैं, वोडाफोन स्टोर में किस लिए जाते हैं, एयरटेल स्टोर में किस लिए जाते हैं? मेनली कुछ खरीदने तो जाते नहीं हम लोग, हाँ उधर कुछ खरीदने जाते, कभी नहीं जाते। क्या है, समस्या हो गई उसका निदान चाहते हैं, इसीलिए जाना पड़ता है। सो द पर्पज ऑफ दैट स्टोर इज वॉट, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर्स। सो वॉट इज देयर वैल्यू चेन, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम एंड दैट हैज टू बी डन कंटिन्यूअसली। यू हैव टू फोकस ऑन वेयर द प्रॉब्लम हैज ऑकर्ड एंड वॉट इज द सोल्यूशन, दैट्स ऑल। एंड इफ यू आर डूइंग इट कंटिन्यूअसली यू हैव अ परफेक्ट वैल्यू चेन। इसको परसीव किया था मिस्टर जेम्स डी थॉम्सन ने इन ईयर 1967। इसमें एग्जाम्पल इन लोगों ने टेलीकॉम का भी दिया ही है। दिस मॉडल अप्लाइज बेस्ट टू टेलीकॉम कंपनीज बट ऑल्सो टू इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स हुज बिजनेस एसेंशियली इज मीडिएटिंग बिटवीन कस्टमर्स विद डिफरेंट फाइनेंशियल नीड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बोल के यहां पे दिया हुआ, टेलीकॉम इंश्योरेंस बैंक में सबसे ज्यादा लगता है। एंड इसका डायग्रामेटिक नॉलेज यहां पे दिया हुआ है, ये देखिए। करना क्या है इन लोगों को, प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चॉइस मतलब डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, चॉइस मतलब बेसिकली चूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, चूजिंग डिफरेंट नहीं बोल के चूजिंग बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन, और एग्जीक्यूशन और कंट्रोल और इवैल्यूएशन कि आप हमारे सेवा से क्या बोलते हैं, सेटिस्फाइड का हिंदी क्या होता है, हाँ संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देयर इज अ लूप, दे ओनली डू दिस थिंग, देयर मैकेनिज्म इज ओनली टू हैव दिस एज वैल्यू चेन। और कस्टमर को और कुछ चाहिए भी नहीं, हम लोग अमेजन में क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चाहिए, करेक्ट। ई कॉमर्स में हम लोग को क्या चाहिए भैया, हमारा कोई सवाल का जवाब दे दे। बैंक में क्या चाहिए, हम लोग को जो प्रॉब्लम होता है उसको कोई सोल्यूशन दे दे। वैल्यू शॉप मॉडल, तो इसमें ये आपका सपोर्ट एक्टिविटीज बना दिया गया जो पोर्टर्स वैल्यू चेन से उठाया गया है ना। एग्जाम्पल लिख लीजिए ना सब, वोडाफोन स्टोर जो है वो यही तो है। तो दोस्तों ये चैप्टर तो खत्म होने को आ गया, इनफैक्ट खत्म हो गया। 12 नंबर पॉइंट है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो अगेन टाइम पास ही है, जिसमें ये बोल रहे कंक्लूजन के लिए कि पहले जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता था वो क्या करता था, खाली कॉस्ट एलोकेशन करता था, कॉस्ट रिडक्शन करता था, कॉस्ट कंट्रोल करता था, लास्ट में वेरियंस रिपोर्टिंग किया करता था। इतनी पढ़ाई करने के बाद उसका दिमाग खुल गया होगा, उसको समझ में आया होगा कि उसका जीवन सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटेंट में वो काम करने का नहीं है, उसको बहुत सारे और भी चीज सोचने हैं, प्राइमरीली वैल्यू चेन के बारे में सबसे ज्यादा सोचना है, जिससे कि कंपनी सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन कर पाए और उसके लिए लो कॉस्ट और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उसको क्रिएट करना है। बस यही यहां पे पॉइंट नंबर 12 में बोल रहा है, वैल्यू चेन एनालिसिस करो, टुडे मस्ट ब्रिंग स्किल्स इन एबीसी, बेंचमार्किंग, री इंजीनियरिंग सब उसको आना चाहिए। पहले वो लोग क्या करते थे, खाली एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट करते थे, कॉस्ट बिहेवियर पढ़ते थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते थे, बस अब जमाने की जरूरत हो गई है कि वो ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दे। क्विक रिवीजन वापस बनता है, वरना सब दिमाग से निकल जाएगा। जितने आप बार पढ़ोगे उतना रिटेंशन रहेगा। और मैं वापस बोल रहा हूं कि इन जब आप क्लास कर रहे हो इस समय में 2-3 बार अगर गो थ्रू कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम अगर 6-8 महीने बाद या साल भर बाद 2 साल बाद भी इसमें आओगे तो रेजुविनेट हो जाएगा, वरना फिर स्क्रैच से स्टार्ट करो।
देखो कन्फ्यूजन मुझे लगता है जो पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट को ये पूरा डिस्कशन सुनने के बाद आता है, एक मेरा काम होता है समझाना, वो मैंने अच्छे से कर दिया, ये मुझे पता है, आपको टर्म पढ़ के अब समझ आएगा। बट अभी इशू क्या है कि हेडिंग पढ़ के अंदर में सब हेडिंग क्या होगा, स्टेप्स पूछ रहा है तो स्टेप्स में हम 1 2 3 4 5 क्या लिखेंगे, 1 नंबर हेडिंग पढ़ते तो अंदर में क्या होगा हम समझ पा रहे। तो चैलेंज इज नाउ टू लिटिल बिट ऑफ लर्निंग द स्टफ, ओके, जो थोड़ा समय लगता है और उसके लिए रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग से अगर हम लोग शुरू करें, तुमने क्या क्या पढ़ा था, आपके पास एक लिस्ट है, समरी लिस्ट, उसको फिलअप करा क्या आपने कुछ, आप उसी को फॉलो करिए, आप पढ़ के आंसर करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे समरी लिस्ट में नंबर 1 था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, किसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, हाँ स्ट्रेटेजिक। ट्रेडिशनल में कॉस्ट के प्रति कैसे देखते थे, कॉस्ट एलोकेट कर देते थे बस, और बेस ऑफ एलोकेशन क्या होता था, ड्राइवर क्या होता था, वॉल्यूम होता था। और अभी बोलते हैं हर एक्टिविटी का अलग ड्राइवर होना चाहिए, पहले स्प्लिट डिपार्टमेंट वाइज होता था, कॉस्ट सेंटर क्या है, रेवेन्यू सेंटर क्या, अभी स्प्लिट एक्टिविटी वाइज होना चाहिए, करेक्ट। पहले मेजर फोकस था कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे, अभी SCM का मेजर फोकस क्या है, फोकस सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक। फिर हमने पढ़ाया आपको कि यहाँ पे वो केस आपको सिखाया था रिपेयर वर्सेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, किसमें ज्यादा फायदा नुकसान है, रिपेयर में ज्यादा नुकसान है। फिर क्लोजिंग डाउन सर्विस सेंटर, कॉस्ट तो बच जाता है बट उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो दिमाग में लाना कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, याद करो, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, हाँ रेपुटेशन, कस्टमर वेटिंग क्यू, ओके, और कॉम्पिटिशन, गुड। देन 4 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट था, जिसमें पहले बोला गया था कि स्ट्रेटजी बनाइए, उसको बताइए, कम्युनिकेट करिए, फिर टैक्टिस मतलब करवाइए, करना नहीं है करवाना है, मैनेजमेंट वर्ड है ना, मैनेजमेंट मतलब करवाओ और फिर सुधारो, करेक्ट। अब ये लर्न थोड़ा तो करना होगा ना, आपको समझ में भी आता है बट अब लर्न नहीं करोगे तो ये दिमाग से निकल जाएगा। और लर्न करने का सिंपल तरीका, वो समरी को बार बार पढ़ना होगा आपको, ऊपर नीचे उसको गो थ्रू करना होगा। नेक्स्ट नेसेसिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट वगैरह रिपीट हो रहे। देन कंपोनेंट्स में 3 मेजर कंपोनेंट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, वैल्यू चेन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक पोजिशन। अब देखो नाम सुनते तो आपको सब याद आए, बड़े 3 नाम याद रखना ही तो चैलेंज है। तो देर आर 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ SCM, वैल्यू चेन, जिसपे सबसे ज्यादा फोकस वैल्यू चेन पे ही है, कॉस्ट ड्राइवर और स्ट्रेटेजिक पोजिशन। अब उसमें पहला पढ़ा था हम लोग स्ट्रेटेजिक पोजिशन, इंटरनल था एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल का वेज याद करिए, आप पेज घुमाते जाइए, पेस्टल था, 5 फोर्सेस था, स्वॉट में OT अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, एंड इंटरनल में स्ट्रेंथ वीकनेस देखो और वैल्यू चेन एनालिसिस करो तो आपको पता चलेगा आप कहां पे हो। फिर सेकंड है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, में 2 तरह के कॉस्ट ड्राइवर्स से, स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स आर बेसिकली दैट ड्राइवर्स दैट इम्पैक्ट्स कॉस्ट, स्केल, टेक्नोलॉजी यूज्ड, लर्निंग कर्व इफेक्ट, ओके। इसी से कॉस्ट लीडरशिप आया था अगर आपको ध्यान हो। एंड देन आफ्टर दैट एग्जीक्यूशनल आर कनेक्टेड विथ हाउ टू कंप्लीट द वर्क, हाउ टू डू द वर्क, इट डिपेंड्स ऑन द वर्कमैन, वर्क फोर्स, प्लांट लेआउट अंदर में कैसा है, करेक्ट, वर्क फोर्स का स्किल लेवल, एफिशिएंसी लेवल, और बाकी आपके अंदर के यूटिलिटीज टूल्स वगैरह कैसे है, वर्किंग कंडीशन या सपोर्टिंग सिस्टम्स कैसे है, दैट इज ऑल एग्जीक्यूशनल ड्राइवर्स। सो वैल्यू चेन एनालिसिस जब हम लोग सीखने आए 3rd में, वैल्यू चेन एनालिसिस, उसमें पहला मैंने सिखाया व्हाट इज वैल्यू, यूटिलिटी और एक्सीडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर्स।
Then what is value chain? It's interlink of several activities which can be classified as primary and support. Primary में क्या क्या आता है? Inbound, logistic, operations, outbound logistic. ये एकदम रट्टा हुआ होना चाहिए, मैं वापस बोल रहा हूँ. फिर marketing and sales और एक after sales service. ये सब primary हुआ. और support में infrastructure, procurement, HR, technology. ये वापस रिपीट नहीं किया हमने क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ था. फिर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस में, नाउ अगेन वैल्यू चेन करने के लिए आपको क्या क्या चीज जानना पड़ता है. वैल्यू चेन करने के लिए आपको क्या क्या चीज जानना पड़ता है. एक है आपको इसका आंसर है ना, थोड़ा सा मैच होता है जो अभी पढ़ा हमने, एसेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कितना नंबर पढ़ा था वो पढ़ा था हमने 9 नंबर. देखिए उसका और इसका काफी मैच होता है ना. स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन जो आप पढ़ते हो कि वैल्यू चेन करने के लिए हमें क्या पढ़ना है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू वैल्यू चेन जब आप सीख रहे हो तो क्या क्या चीज था, आप रिलेट करके देखो. फोर इसको कंपेयर करके देखना वर्सेस रीड इन कंपैरिजन विथ 0.9. अब देखो कैसे था. यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि तीन चीज चाहिए, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर. वही इसमें इंडस्ट्री वैल्यू चेन की बात हो रही है कि आपके ऊपर कौन है, आपके नीचे कौन है. कोर कॉम्पिटेंसी एक नया है कि आपका यूनिकनेस क्या है, और सेगमेंटेशन मतलब आपके ब्रेकअप्स क्या हो सकते हैं. और उधर क्या पढ़ रहे थे आप, देखिए उधर पढ़ रहे थे इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस और वर्टिकल लिंकेज. देर आर हाई चांसेस दैट यू विल मिक्स इट अप, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. वर्ड्स अगर उल्टा पुल्टा किया ना, आपका मार्क्स लो काट काट के जीरो बैठा देगा, आपको एवरेज मार्किंग भी नहीं देगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन चाहता क्या है. जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं कि स्पेसिफिकली वो तीन चीज मांग रहा है, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ठीक है, तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अगेन पोर्टर्स 5 फोर्सेस. कोर कॉम्पिटेंसीज यूनिकनेस विच कैनॉट बी इमिटेटेड. वॉट आर द 3 टेस्ट टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी कैनॉट बी इमिटेटेड? हाँ, वाइड एक्सेस होना चाहिए और एंड प्रोडक्ट में बहुत बेनिफिट आना चाहिए. तीनों है तब कोर कॉम्पिटेंस है. वॉट आर द 2 वेज ऑफ अचीविंग इट? टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, यूनिकनेस. ठीक है, वॉट आर द 2 रिसोर्सेज टू गैदर इट? 2 सोर्सेज टू गैदर इट, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी टू यूज इट्स रिसोर्सेज. ओके, एंड देन 4 वेज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग इट थ्रू वैल्यू चेन. दैट वीज 4 वेज ऑफ यूजिंग योर कोर कॉम्पिटेंस. आप अपना करेंट अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करो वैल्यू चेन से. आप मतलब वैल्यू चेन है ना, आप समझिए इंस्ट्रूमेंटल है पूरा पढ़ाई में. इस चैप्टर में हर जगह वैल्यू चेन यूज होता है. इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी आप इंडस्ट्री वैल्यू चेन कर रहे हैं, कोर कॉम्पिटेंस में आप अपना वैल्यू चेन देख रहे हैं जिससे आप अपना करंट कोर कॉम्पिटेंस जान पाए, और उसके बाद आप उसको लिवरेज कर पाए, रिकॉन्फिगर कर पाए, नया क्रिएट कर पाए. और सेगमेंटेशन एनालिसिस में भी फिर आपको वैल्यू चेन ही देखना है अपना, जिससे आपको अपना डिफरेंट सेगमेंट पता चले, और फिर आपको जो लगता है जिसका स्कोप ज्यादा है, ब्रॉडर स्कोप वाले को आप अपने हाथ में ले सकते हैं, बाकी को आप फॉरगो कर सकते हैं. सेगमेंटेशन एनालिसिस के 5 स्टेप्स थे. देयर वर 5 स्टेप्स ऑफ सेगमेंटेशन एनालिसिस. ये देखिए, नंबर 1 सेगमेंट आइडेंटिफाई करो, सेगमेंट मैट्रिक्स बनाओ, फिर सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, फिर उसमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसमें सक्सेसफुल होने के लिए, एंड लास्टली इट इज एनालाइजिंग अट्रैक्टिवनेस ऑफ ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप एंड फोकस ओनली ऑन द ब्रॉड वंस. देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे आ गए कि हाउ बेटर वी आर देन अदर्स, दैट कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय 2 थिंग्स विच इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप.
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लाने का तरीका है कि बेसिकली का सर्वाइव करने का तरीका है, ग्राहक जो चाहता है वो आप दीजिए और दूसरा यू मस्ट सर्वाइव योर कॉम्पिटिशन। अब आप बोलते हैं हम कॉम्पिटिशन में सक नहीं पा रहे तो आप खत्म हो जाओगे, आपको कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करना आना चाहिए और उसके लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप आपको करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिस्प एकदम सिंपल बता दिया मैंने, क्वालिटी इनोवेशन सर्विस और प्राइस। बेसिकली प्राइस इज द रिजल्ट ऑफ योर डिफरेंशिएशन बट फर्स्ट थ्री आर योर फैक्टर्स या दैट इज योर इनपुट दैट यू हैव टू गिव। क्वालिटी आपको बढ़ाना है, इनोवेशन देना है और सर्विस देना है। ओके वापस से रिपीट हो रहे हैं ये सारे। लो कॉस्ट कैसे होगा उसके भी बहुत सारे रास्ते आपने बताई दिए थे मेरे को कि सर सस्ता मटेरियल मिल जाए सर, फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट एफिशिएंट हो, फिर वेस्टेजेस नहीं होगा उससे, फिर टेक्नोलॉजी स्केल, याद आ रहा है ये सब वेज आपने अपने मुझे बताए थे। आप अपने नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर दीजिए सो यू विल बी एबल टू अचीव लो कॉस्ट। बस डिसएडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट लेवल पे आप पहुंच गए तो कॉम्पिटिटर्स इमिटेट करेंगे, इसलिए आपको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहना है। फिर वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स अगेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए वैल्यू चेन आपका कैसे मदद करेगा। ठीक है, वैल्यू चेन समझने के लिए तीन एनालिसिस था। वैल्यू चेन का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क मतलब वैल्यू चेन में इंडस्ट्री वैल्यू चेन है, दूसरा कोर कॉम्पिटेंस आपका अपना खास बात और आपका सेगमेंट्स क्या है। ये वैल्यू चेन समझने के लिए तीन चीज को समझोगे तो वैल्यू चेन समझ में आया आपको, इंडस्ट्री का अपना और हमारे टुकड़ों का। ठीक, और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए वैल्यू चेन कैसे हेल्प करेगा, दैट इज हियर व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग इज यूजिंग वैल्यू चेन। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सो वैल्यू चेन का नॉलेज बोलता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जानने के लिए आप अपना पहले एबीसी करो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करो। मीन्स यू फर्स्ट सर्च फॉर योर डिफरेंट एक्टिविटीज, देन देयर कॉस्ट, देन देयर ड्राइवर्स, देन लिंक बिटवीन सेवरल एक्टिविटीज एंड सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस योर कॉस्ट, दैट्स इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। देखिए वही था ना, फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस यानी एक्टिविटीज कॉस्ट पूल। आपको एक सीक्रेट समझ में आ रहा है, पूरा पूरा पैरा का निचोड़ तीन लाइन में, तीन वर्ड में, यही तरीका है थ्योरी पढ़ने का। अगर आप थ्योरी ब्लैंक पढ़ रहे हो तो दिमाग में भी ब्लैंक ही है। सेकेंड टाइम जब थ्योरी में आते हो ना तो अटेंशन होता है याद करने पे ज्यादा समझने पे कम, पहली बार समझने पे ज्यादा। और हम लोग का भूल क्या होता है, हम लोग सिर्फ समझ के छोड़ देते हैं तो एग्जाम में याद नहीं आता, समझा हुआ तो है याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या, समझने का काम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये छोटा छोटा वर्ड लिख लिया, स्ट्रेटेजिक मार्किंग कर लिया, एग्जाम्पल बगल बगल में लिख लिया जिससे याद आ जाए। अब जो मेन एफर्ट आपका होगा ना वो रिटेंशन के लिए होगा, आपको अब ज्यादा समझना नहीं है, आपने क्लास कर ली आपने सब समझ लिया। अब समझने का अगर भूल भी गए ना तो अपना हाथ का लिखा हुआ सबसे पहले पढ़ोगे तो तुरंत याद आ जाएगा। अब आपको सिर्फ रिटेंशन पे ध्यान देना है, कंटिन्यूअस रिवीजन चाहिए। आपस में बातचीत कर लो एक बार 10-15 मिनट, अगर दोस्तों का साथ मिलता है ना तो बहुत जल्दी होता है, चल एक बार रिवाइज करते, 10 मिनट बैठते, पॉइंट वन तुम बोलो, पॉइंट टू हम बोलते, पॉइंट थ्री हम बोलते, देखते अपने को याद है कि नहीं। इट रियली हेल्प्स कि कई बार होता है ना जैसे आप अपने आप को बोल रहे हो तो नहीं याद होता है, कोई और आपको सुना देता है ना तो एक बार में याद हो जाता है। तो कैसे फायदा उठाना है फ्रेंड्स का वो आपको बता रहे कि साथ में बैठिए कि चल 10-15 मिनट बात है कि मस्ती वस्ती अपने जगह, गॉसिप अपने जगह, ये एक बार रिवीजन करते देखते याद है कि नहीं। अगर दो आपको याद आ गया एक उसको याद है वो बोल दिया ना तो तीसरा हमेशा के लिए आपको याद हो गया। ओके नेक्स्ट लास्टली था इंटरनल डिफरेंशिएशन में, हमने बोला कस्टमर ओरिएंटेड सोचिए और वो रिपीट है। बेसिकली इंटरनल डिफरेंशिएशन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स दैट यू कैन गिव टू योर कस्टमर। डिफरेंशिएशन जब भी आए ना आप एक ही चीज लिख सकते हैं, वो रिपीट हो रहा है, फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स, इफेक्टिव चैनल, कस्टमर सर्विस, सुपीरियर ब्रांड इमेज एंड ऑल, ये सब एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए।
वर्टिकल लिंकेजेस, इंडस्ट्री वैल्यू चेन, जिससे क्या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सेगमेंटेशन एनालिसिस और इंडस्ट्री वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक पॉइंट बनाया गया. एंड लास्ट में तो ये सब एकदम सिंपल से ही थे, कंक्लूजन के लिए पैरा बनाए हुए कि SCM का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. डिपेंड्स ऑन द फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आपको क्या बेचना है. जैसे मैं कभी कभी ये अपने लिए तो हमेशा ही सोचता हूँ, हम लोग CA स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, CA स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में 10 लाख हैं, 10 लाख में 4 लाख से ज्यादा फाइनल स्टूडेंट्स नहीं है, 2 लाख CPT में, 4 लाख IPCC में, 4 लाख फाइनल में. मतलब मैं पूरा भी मेहनत कर दूं तो मेरे 4 लाख से ज्यादा ग्राहक तो एट ए टाइम हो, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते. ऐसे मैं सोचता हूं. ये कब समझ में आता, जब आप ये मैंने क्या किया, इंडस्ट्री वैल्यू चेन को पढ़ा. ईस्टर्न रीजन में 80,000 नहीं, 10 लाख है ना, हाँ अप्रोक्सीमेटली 80,000 90,000 स्टूडेंट रजिस्टर्ड है EIRC में. रेशियो वही है, रेशियो वही है ईस्टर्न रीजन EIRC का बता. अरे भाई 10 लाख स्टूडेंट है ना, ईस्टर्न रीजन इज 10% ऑफ इंडिया, समझे, 10% ऑफ इंडिया का रेशियो है. तो 10 लाख का 10% करिए 1 लाख, और ऑन एन एवरेज वो 80,000 से 1 लाख के बीच में रेंज करता है. तो ईस्टर्न रीजन में 80,000 ही स्टूडेंट है. एंड रीजन मतलब इसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट आ गया, पूरा उड़ीसा आ गया, समझ रहे ईस्टर्न रीजन कितना बड़ा है. तो उसमें मिला के 80,000 स्टूडेंट, रेशियो वही 1:2:2, मतलब वही 2 लाख 4 लाख 4 लाख का रेशियो है. तो 2/5 यानी 40%, 80,000 का 40%, 30,000-32,000 स्टूडेंट ईस्टर्न रीजन में. और मार्केट में इतना स्कैटर्डनेस है, ठीक है, कि अगर पूरा जोर भी लगा दे, कोर कॉम्पिटेंस का टेस्ट क्या है, इट शुड हैव एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट. तो एक्सेस तो लिमिटेड है ना, तो क्या कॉम्पिटेंस हम लोगों का, कुछ नहीं है. I don't understand कि what competence I have. I don't have any competence. I understand like this. My question always is in कि अपने को ऐसा क्या करना है, कौन सा product long term में बनाना है जिसका access unlimited हो, wide audience को वो पहुंचे. Accessibility जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा एक कंपनी कॉन्स्टेंटली चल पाता है, करेक्ट. अब जैसे ITC वगैरह क्यों चलती है, तो उनके सारे प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पशन है वो 100 करोड़ जनता उनके ऑडियंस कस्टमर हो सकते हैं, करेक्ट. 100 करोड़ का नीड वो सेटिस्फाई करने का कोशिश करें, और हम लोग तो सम थाउजेंड्स में ही, 32,000 100 करोड़, इमेजिन द डिफरेंस. तो कभी हम लोग वहां पहुंच पाएंगे, तब जब हमारे प्रोडक्ट उस लेवल के बनेंगे. इसलिए जो प्रीमियम एजुकेशन से इंस्टीट्यूट्स लाइक अस हैं, वो लोग का मेन फोकस क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स पे होता है. क्यों होता है आप सोचो, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी, कि मेहनत करो तो उनके लिए करो, 6, 7, 8, 9, 10 को पढ़ो, उनके लिए जो मेहनत किया उसका एक्सेसिबिलिटी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में, एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज में जो सबको समझ में आता, तो वर्ल्ड वाइड आप पहुंच जाओगे. हायर स्टडीज का तो लिमिटेशन ही. तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस विल द कंपनी ऑफर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू एंटर इनटू एनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ऐसा प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है जिसका एक्सेसिबिलिटी बहुत हाई हो. अब अगर एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है तो फिर प्रीमियम होना चाहिए. प्रीमियम तो यहां पे है नहीं, तो एक्सेसिबिलिटी समझ में नहीं आता कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. इधर वी हैव टू डाइवर्सिफाई अ लॉट. मतलब दीज आर द सम की क्वेश्चंस दैट आई कीप आस्किंग ऑन माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड द विजन ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि वेयर वी वॉन्ट टू सेल, वॉट प्रोडक्ट इट कैन बी, what geographical zones it can be. There is a company named Baiju. Baiju का एडवर्ट देखेगा आप लोग,
byju.com, रविंद्रन बायजू करके एक टीचर होते थे बैंगलोर में, केरला से हैं, बैंगलोर में पढ़ाते थे बहुत सारा, एंट्रेंस टेस्ट पढ़ाते थे कैट वैट का, उसका सिर्फ मैथ्स का क्लास लेते थे। इतने पॉपुलर हो गए कि मतलब समझिए जैसे यहाँ विक्टोरिया ग्राउंड है ना, वैसे ग्राउंड बुक कर करके वहां पे पढ़ाते थे। फिर जगह नहीं मिलती थी तो ऐसे कॉम्प्लेक्स का टेरेस बुक करते थे, कॉम्प्लेक्स बड़े कॉम्प्लेक्स का टेरेस बहुत बड़ा बड़ा होता है, उस पर पंडाल लगा लगा के पढ़ाते थे। फिर स्टेडियम बुक करने लगे, 19,000-20,000 लोग एक साथ क्लास करें, पॉपुलैरिटी को लिवरेज किया, उसको ई मोड में डाला। उनका जो क्लासेस है अगर आप कभी देखोगे जाकर वेबसाइट वगैरह में उनके, तो क्लासेस में साइंटिफिक फिक्शन को यूज करते हैं। मतलब वो बोल रहे हैं ऐसे, दिस इमेजिन दिस इज अ ट्रायंगल, तो स्क्रीन पे ट्रायंगल बन के आ रहा है और वो विजुअल इफेक्ट से बन के आ रहा है। नाउ इमेजिन दिस पोर्शन ऑफ ट्रायंगल इज एलिमिनेटेड, तो ट्रायंगल गायब हो गया। अब बोर्ड यूज नहीं हो रहा है, विजुअल इफेक्ट्स यूज हो रहा है। स्काई फाई मूवीज में होता है ना, साइंटिफिक मूवीज, फिक्शन मूवीज में, कि आप ऐसे हाथ किया तो सामने में स्क्रीन दिखा रहा है, बटन दबा रहे है, वैसा वैसा फिक्शन यूज करते। मार्क जुकरबर्ग ने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया 300 करोड़ रुपया, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है। उन्होंने मैथ्स को चूज किया, मैथ्स दुनिया को चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो इंडिया तक की क्यों। वो जब मार्क जुकरबर्ग के पहले वो साउथ एशिया मार्केट कैप्चर कर चुके थे, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 एंड MBA का तो है ही उनका। तो मार्क जुकरबर्ग ने जब उनको फंडिंग किया तो वो अब इंटरनेशनल हो गए, अब वो अमेरिका में अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, यूरोप में मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये है कि मतलब आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कहां तक जा सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपने प्रोडक्ट सही चुना, टारगेट ग्रुप सही चुना। और फीस वगैरह क्लास 6-7 का अगर आप देखेंगे तो इट इज मोर देन व्हाट वी सीएस आर पेइंग फॉर वन सब्जेक्ट। मैथ्स का खाली चार्ज 25,000-20,000, तो हम लोग सीए लोग कितना पे कर रहे हैं, 10,000-12,000-15,000। तो प्रीमियम तो वो लोग ले जा रहे हैं क्लास 6-7 में, और हम लोग तो प्रीमियम भी नहीं ले पा रहे। तो देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन इन माइंड कि हम लोग जो कर रहे हैं वो कितना एक्सेसिबल है, उसमें हमारा वाकई में हम लोग कोर कॉम्पिटेंस लेके चल रहे कि नहीं चल रहे। बट एनीवेज ये मेरा अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए है, मैंने आपको जस्ट बताया। ऐसे हर बिजनेस को अपने बारे में इतना सोचना पड़ता है तब जाके वो कहीं सक्सीड कर पाता है। ठीक है, तो विद दिस माई रोल ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर, यू टेक अ ब्रेक, देन विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर।